Okay, everyone, good morning. Good morning, who all are here. So please एक बार कंफर्म कर दो, ऑडियो वीडियो क्या स्टेटस है, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? ऑल सेट? एक सेकेंड, हाँ आई विल ऑल्सो हैव टू चेक ऑडियो वीडियो का क्या स्टेटस है. बढ़िया जी, ऑडियो वीडियो ऑल गुड, सुपर अमेजिंग पीपल, दैट्स ग्रेट. कौन कौन है सर? अलाउ मी अ मिनट, इवन आई विल नीड टू चेक क्या स्टेटस है. ओके, आई सी 14 ऑफ, सुपर शानदार सर, लोग धमाकेदार जानदार. बताओ क्या हाल है सभी को. गुड मॉर्निंग, सुपर ग्रेट, गुड मॉर्निंग. आप बोल रहे हो सर हमारी मॉर्निंग खराब कर दी और ऊपर से गुड मॉर्निंग बोल रहे हो. गुड मॉर्निंग एवरीवन, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो, एक दो मिनट और रुकेंगे सर और फिर आग लगाना है. श्वेता इज हियर, गुड मॉर्निंग श्वेता. अंशिका गुड मॉर्निंग. चंद्रम, राधे राधे, रिया ऑल सेट, सुपर. सुचेता वेरी एक्साइटेड, मोर एक्साइटेड देन मी इट सीम्स. नरेंद्र गुड मॉर्निंग सर. ध्रुव ऑल सेट, क्या बात है, गुड मॉर्निंग. अभिषेक ऑडियो वीडियो सब सेट, गुड मॉर्निंग. अमित गुड मॉर्निंग. करण गुड मॉर्निंग. शुभम गुड मॉर्निंग. लग नहीं रहा यार आपको देख के कि अभी मॉर्निंग के 7 हो रहे हैं. बाय द वे, कौन है आप में से जो आज स्पेशली क्लास के लिए उठा है, जिसकी मॉर्निंग्स नॉर्मली तो सर 8-9 बजे होती है. निशांत गुड मॉर्निंग. शुभम, नरेंद्र, यस, क्योंकि वैसे तो सर हमारी मॉर्निंग क्या है ना, 8-9 बजे होती है. ध्रुव, यस. अमित, अभिषेक, एक्साइटेड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, सुपर ग्रेट. वैसे यार पता है क्या, बैच में आने के लिए तैयारी तो की होगी आपने भी. दो लोगों से दो तरीके से तैयारी करते हैं लोग. पहला तो सर कुछ लोग होते हैं जो रात को सारी प्रिपरेशन कर लेते हैं, लैपटॉप वगैरह, राइट, ईयरफोन्स वगैरह सब चेक करके एक कॉपी पेन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. और दूसरे लोग तैयारी करते यही सारी, बट टेबल पे नहीं, वो यही सारी चीजें बेड पे लेके ही सोते हैं. ताकि क्या होगा सर, सुबह 6:55 पे अलार्म बजेगा, अलार्म स्नूज करेंगे और बस वहीं के वहीं बेड पे ही सर को देखना स्टार्ट कर देंगे. तो कौन है जो अभी बेड से उठा भी नहीं है. मेरे को पता था कि अपनी क्लास में लोग आएंगे जो पता है ऐसे, मतलब पूरी प्लानिंग से सोएंगे कि सुबह बस उठ के एक एंटर ही करना रहेगा और सर को देखना स्टार्ट. रिया, ओके. अनुष्का, फर्स्ट वर्जर. सचिता, सिंसियर स्टूडेंट. नरेंद्र, 6 बजे. ओहो, नरेंद्र और अनुष्का, आप पे तो मुझे लग रहा है कि आप लोग सरकैज़म में बोल रहे हो. 6 बजे और 5 बजे उठना तो पॉसिबल नहीं है. चंद्रम, सीरियसली 5? अभी अभिषेक 4:30. मुझे आप लोगों को देख के पता है क्या लग रहा है, जैसे नॉर्मली क्लासेस में टीचर सिंसियर होता है, बच्चे मस्ती करते हैं, आपको देख के लग रहा है कि मुझसे ज्यादा सिंसियर तो आप लोग हैं. अच्छा ध्रुव, आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहे हो, कमिटमेंट बॉस, कमिटमेंट, वाह यार ग्रेट. मनीषा 4, अरे पक्का 4:30 कोई उठता है क्या, फिर तो आपको संत बोलेंगे लोग. मनीषा, चिराग 6, वाह यार अमेजिंग. अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, जल्दी से दो चीज करते हैं, है ना. मैं अपने बारे में बताऊंगा, बट उसके पहले आप लोग बता दो फटाफट अपने चैट में, सिर्फ दो चीजें लिखना है ना, अपनी चैट में सिर्फ दो चीजें लिखना. एक तो अपना सिटी लिख दो, ठीक है, और दूसरा लिख दो अपना अटेम्प्ट, अपनी सिटी और अपना अटेम्प्ट. कोलकाता नवंबर 23. अभिषेक, शुभम दिल्ली से, क्या बात है, नवंबर 23. आनंद से, नवंबर 23. चिराग, ओके. श्वेता पटना से, मई 24.
ओके अरे रुको रुको रुको, धीरे, इतना जल्दी तो मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। रिया अयोध्या से, नवंबर 24। ओके अनुष्का कोटा से, मई 24। मनीषा है झुंझुनू से, नवंबर 23। नरेन, नवंबर 23। वेंकटेश हैदराबाद, नवंबर 23। नंदेगढ़ से, हैदराबाद से वापस है सुचेता। इंदौर से विक्की, नवंबर 24। अमित, नवंबर 23। अंशिका, नवंबर 23। बठिंडा से भी हमारे पास मई नवंबर 24 के लिए श्रुति, मई 24। पानीपत से, नवंबर 23। यार जब भी मैं पानीपत का नाम सुनता हूँ ना लखविंदर, तो वो हिस्ट्री याद आ जाती है, वो बैटल्स ऑफ पानीपत, ही वही पानीपत है ना आपका। अहमदाबाद से गुजराती मानस, देन मुंबई से, क्या बात है, चंद्रमा नरेन, फिर मुंबई से ऐश्वर्या, शोलापुर से, सोलापुर सॉरी, शुभम प्रयागराज, नितिन दिल्ली, विक्की गुजरात वापस, चंद्रम दिल्ली। वाह यार सर, शानदार। तो बस आज का अपना सेशन जो है ना दोस्तों, सर ये तो चीटिंग हो गई, आपने तो स्टार्ट कर दिया, आपने पहले बोला था हमारे बारे में भी बताओगे, राइट। चलो एक और खुद के बारे में बता देता हूँ। देखो जिस बंदे को आप देख रहे हो ना यहाँ पे, सीए क्लियर हुआ उसका 2016 में और सीएफए क्लियर हुआ 2018 में, राइट। मुंबई से आर्टिकलशिप किया, आर्टिकलशिप के और मिड साइज से था, है ना, बेसिक एकदम मिड साइज से आर्टिकलशिप किया। फिर आर्टिकलशिप के बाद सोचा कि यार कुछ करते हैं और, है ना, और जब मैं फिगर आउट ही कर रहा था कि यार करियर में क्या करना चाहिए, इस बीच हो गया मुझे प्यार, राइट। तो अब यार प्यार होता है तो थोड़ा इंसान डिस्ट्रैक्ट तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है ना। लेकिन आपके भाई को प्यार हुआ किससे, फिनेंस से। तो फिर मैंने सोचा कि यार ऑडिट तो अपने को नहीं सेट हो रहा है, इनकम टैक्स भी नहीं हो रहा है, एफआर भी नहीं हो रहा है, सेट क्या हो रहा है, फाइनेंस। जॉब ढूंढी, बहुत मेहनत लगी, ठीक है, मतलब आप समझो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बना, उसके बाद 6 महीने अनएम्प्लॉयड रहा, ठीक है। फिर गए सर जॉब इक्विटी रिसर्च मिल गया, तो 2 साल इक्विटी रिसर्च में जॉब किया, मतलब कोर फाइनेंस। और तब तक फाइनेंस इतना अच्छा लगने लग गया था, मैंने सोचा कि यार अपन तो कुछ और इसमें कोर्स परस्यू करते हैं, और फिर सीएफए स्टार्ट कर दिया, ठीक है। 2 साल जॉब करते करते सीएफए किया, और फिर थर्ड लेवल फी जॉब के बाद क्लियर किया, और फिर समझ में आया कि यार लाइफ नहीं रखी है जॉब में, ठीक है। पढ़ाना स्टार्ट किया सर, 2019 से पढ़ाना स्टार्ट किया, और आज बस आपके सामने तो एसएफएम पढ़ा रहा हूँ, क्लास में बैठे, सेकंड सीएफए पढ़ाता हूँ और फाइनेंशियल मॉडलिंग की ट्रेनिंग सेशंस लेता हूँ। ये एक छोटी सी स्टोरी है। मेरा एम क्या रहेगा समझना, बैच एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि सर समझ के ना पढ़ा जाए। एग्जाम ओरिएंटेड से मतलब रखेंगे सर ये जो प्रैक्टिकल दुनिया की बातें ना वो नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि मैं बताऊं कि अगर मैं अच्छे से पढ़ाना चाहे ना हम लोग, ठीक है, तो हर एक कॉन्सेप्ट जो एसएफएम में आ रहा है ना वो किसी ना किसी न्यूज से रिलेट किया जा सकता है। आप 1 महीना बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ के देखो, आपको समझ में आ जाएगा यार ये तो एसएफएम की बहुत सारी बातें मैं हर दिन न्यूज़पेपर से रिलेट कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। वो सब डिस्कशन नहीं, प्योर टू दी पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड, लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया की बातें नहीं, अननेसेसरी फॉर्मूलास के डेरिवेशन नहीं। जो इजीली समझ सकते हैं ना वो समझेंगे, ताकि मगअप ना करना पड़े, राइट। और जहां बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला जिसका कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन है, उसको तो याद ही रखेंगे, वो याद कराने की भी जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। तो ऐसा फ्लो चलेगा क्लास का। अभी एक चीज सुनना, मेरा आपसे एक्सपेक्टेशन कितना सा है, एक्सपेक्टेशन सर इतना सा है कि हम लोग, अच्छा पहले तो मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों के पास कहीं अनम्यूट करने का ऑप्शन होता है क्या? आप लोग अनम्यूट कर सकते हो प्लीज, एक बार चेक करके बताओ ना। अच्छा यू गाइस कैन चैट, यू गाइस कांट टॉक, राइट, यू गाइस कैन चैट, ओके 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 कूल, ठीक है ना। परेशान होने की जरूरत नहीं, वैसे भी मैं आपकी चैट्स देखता रहूंगा, है ना। आप आपके हैंड रेज कर दीजिए, आई विल गिव यू चांस, आई विल स्टॉप फॉर यू, है ना, और ऐसे करके हमारी चीज हो जाएगी। बॉस ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इतना सा है कि लाइव अटेंड करेंगे ना, लाइव अटेंड करेंगे तो हमें लैग कुछ क्रिएट करना ही नहीं है। रेगुलर बेसिस पे हर दिन जो भी पढ़ रहे हैं क्लास में, पहली बात तो क्लास लाइव अटेंड कर लो, और जो भी क्लास में पढ़ रहे हैं क्विकली रिवाइज कर लो। मतलब अपन चाह रहे हैं रिजल्ट आने के पहले अपन एसएफएम का सुपर सिग्निफिकेंट पोर्शन कंप्लीट करके साइड में रख दें। हमें वो रहे कि यार ये तो हमारा हो ही क्या है, रिजल्ट पे डिपेंडेंसी नहीं रहे कि यार अब एसएफएम पढ़े कि नहीं पढ़े। रिजल्ट आएगा तब तक तो हमें पता चलेगा कि एसएफएम तो पढ़ लिया ऑलमोस्ट,
ये वाला अप्रोच हमें फॉलो करना है, ठीक है। सेकंड सर, नोट्स के बारे में बता दूं एक बार। देखो, दो नोट्स मिलेंगे, और उसके पहले ये जान लो आज का लेक्चर बेसिक्स पे है ना। मतलब यार पूरे एसएफएम में, अक्रॉस अक्रॉस एसएफएम के सारे चैप्टर्स में कुछ ना कुछ भाई साहब बेसिक बातें जानने को मिलेगी ही, ठीक है। वो बेसिक बातें हम अलग अलग जगह अप्लाई करेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आज ही उनको एक साथ पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें से कुछ बातें जो आपने इंटर में पढ़ रखी है, कुछ बातें होगी सर जो आपने आपकी रेगुलर बैचेस में पढ़ी होगी, राइट। तो अपन क्या उन सबको आज एक बार समराइज कर लेते, ताकि हम लोग सब सेम पेज पे आ जाए। मतलब कल से जब अपना स्टार्ट होगा ना, तो वहां से ही साथ में उठेंगे, और अगर आज बेसिक्स कंप्लीट हो गए ना, तो नेक्स्ट चैप्टर आज से ही स्टार्ट कर देंगे, है ना। इक्विटी एंड कॉर्पोरेट वैल्यूएशन से अपनी स्टार्टिंग होगी बेसिक्स के बाद, ठीक है। अभी सर कॉन्सेप्ट नोट्स, बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि सर आपने तो, ओके ठीक है, बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि सर आपने तो हमें नोट शेयर किए ही नहीं। तो देखो मैं बताता हूं, मोस्टली है ना, मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम कल कल सैटरडे ना, आज फ्राइडे, हाँ सैटरडे इवनिंग तक, सैटरडे नाइट तक आपके पास नोट्स पहुंच जाएंगे। दो टाइप के नोट्स पहुंचेंगे सर। पहली सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी में आएंगे, पहली सॉफ्ट कॉपी आएगी सर ये कॉन्सेप्ट्स नोट्स की। मतलब ये नोट्स देख रहे हो, मैं श्योर हूँ कि ऑलमोस्ट आपको सबको पता ही होगा, फिर भी देखो एज अ मेरा बताने का ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट है जो हो सकता है गलती से वीडियो फर्स्ट टाइम देखे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा सर, काफी सारी चीजें जो समझने की वो लिखी हुई है, कुछ इंपॉर्टेंट अजम्पशन से वो लिखे हुए हैं, कुछ ट्रिकी पॉइंट से वो लिखे हुए हैं। हमें साथ में क्या लिखना है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको मतलब एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में काम आती है। मतलब कोई फॉर्मूला है तो यहाँ लिखेंगे, कोई डायग्राम है, कोई फ्लो चार्ट है, कुछ भी है तो वो यहाँ बनाएंगे, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग रहे, ठीक है। इससे क्या होगा, फायदे दो क्लास में, एक तो लिखने में भाई साहब अपना टाइम बच गया, सेकेंड आप सोचो रिविजन कितनी जल्दी होगा। आप देख रहे हो कितना कम टेक्स्ट है, टेबल्स टेबल्स फटाफट देखोगे और आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। मतलब इन नोट्स को इतनी शिद्दत से बनाना कि यही नोट से दोस्त, यही नोट से जो आज भी है, फर्स्ट रिवीजन में रहेंगे, सेकंड रिवीजन में रहेंगे, उस 1.5 डेज में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद का नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अश्योरेंस है, मुझे आप पे कॉन्फिडेंस है कि हमारा अटेम्प्ट ये लास्ट होगा। अगर आपने अपना बेस्ट दिया है, तो मैं भी अपना बेस्ट दे रहा हूँ, ये अटेम्प्ट हमारा लास्ट होगा, ठीक है, एसएफएम को लेकर तो एटलीस्ट। सेकंड सर, दूसरे नोट्स में आपको देने वाला हूं क्वेश्चन बैंक। मतलब क्वेश्चन बैंक सर कंपाइलेशन है। अगर मैं पास्ट जितने भी एग्जाम पेपर्स, आरटीपीस, मॉक टेस्ट पेपर्स, स्टडी मटेरियल, ओल्ड कोर्स में प्रैक्टिस मैनुअल हुआ करता था वो, है ना, सब कुछ। इनफैक्ट बताऊं क्या, मई 23 जो एग्जाम गया ना, वहां के भी क्वेश्चंस भाई साहब आ गए उसमें। ये एक कंपाइल्ड सॉल्व क्वेश्चन बैंक आप तक पहुंचेगा, है ना, इन नोट्स के साथ कल। मतलब सर उस बुक के बियॉन्ड कुछ और रेफर करने की जरूरत है क्या भाई साहब, कुछ भी नहीं, एक्सेप्ट दो चीजें। नवंबर 23 वालों, उस तब तक आपके पास दो और चीजें आ जाएगी, नवंबर 23 का आरटीपी एमटीपी, उसमें अगर कुछ नया क्वेश्चन आता है तो वो रेफर करेंगे, वैसे भी उसका वीडियो में लेकर आने वाला हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये दो नोट्स मिलेंगे। मतलब अपनी बुक के बियॉन्ड कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चन फर्दर एज सच रेफर करने की जरूरत नहीं है, दिस विल रियली बी एवरीथिंग। सर जी, एम आई ऑल सेट? अब क्वेश्चन आ रहा है, शुभम जेन्युइन, कहाँ अपलोड करोगे? अच्छा एक चीज बताओ, आप सब टेलीग्राम से लिंक्ड हो क्या, अनअकैडमी टेलीग्राम से? एवरीवन प्लीज, तो कहीं तो, ठीक है, या तो यूट्यूब या फिर टेलीग्राम पे आपको लिंक्ड रहना पड़ेगा, ठीक है, वहीं पे नोट्स आ जाएंगे। लिंक शेयर करना है, मुझे 1 सेकेंड दोगे? शुभम, अलाउ मी अ मिनट। यार ये अच्छा क्वेश्चन पूछा, किसने पूछा? 1 सेकेंड ना यार, मुझे टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ से मिलेगा बाय द वे? चैनल इन्फो, एक बार मैं लिंक पेस्ट कर रहा हूं, एक बार कंफर्म करो कि इससे आपको टेलीग्राम चैनल का वो खुल रहा है कि नहीं।
कंफर्म करो ना कि टेलीग्राम चैनल खुल रहा है उस लिंक से, अन अकेडमी सीए फाइनल चिराग खुल रहा है। प्रिया कुणाल ऐश्वर्या खुल रहा है, ठीक है परफेक्ट। अरे मैं गलती से क्लास बंद हो गई। पता नहीं, कुछ बोलना मत। गाइस ऑडिबल हूँ बाय चांस, क्लास मेरा क्लोज हो गया था विंडो, ऑडिबल है ना? एक सेकंड देना, एक सेकंड, स्क्रीन शेयरिंग इन सब ऑन कर रहा हूँ, एक मिनट दे दो। सॉरी सॉरी सॉरी, म्यूटेड था, म्यूटेड था। अभी कंफर्म करो ना ऑडियो वीडियो क्लियर है, स्क्रीन दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ, आवाज आ रही है, सब परफेक्ट, बढ़िया। चलो दोस्त, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब करेंगे स्टार्ट, ठीक है? और स्टार्ट कर रहे हैं सर बेसिक रेशियो से, जो लोग अभी ज्वाइन किए सुन लो सर बेसिक रेशियो। हाँ सॉरी, पूछ रहे हैं सर वेंकटेश, क्यूआर कोड बेस्ड ऑडियो नोटिंग्स ऑफ सॉल्व क्वेश्चन बैंक। देखो मैं अभी से एक चीज बता देता हूँ, QR कोड वाला जो बुक है ना, इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग है, मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ कि वो चीज रेडी करूँ, और अगर रेडी हो गई तो आप लोगों तक शेयर भी कर दूंगा सॉफ्ट कॉपी, लेकिन कमिट नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि आप उस पर फिर डिपेंडेंट हो जाओगे। एम आई क्लियर एवरीवन? आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है, कि वो चीज आप तक रेडी करके पहुंचा दूँ, बट नो कमिटमेंट, क्लियर? आ जाओ सर, सबसे बेसिक रेशियो से स्टार्ट करते हैं सर, ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर। आई थिंक ये तो वो चीजें जो मुझे आपको नहीं बताना चाहिए, आपको मुझे बताना चाहिए। फटाफट चैट में लाइन लगा दो सर, ईपीएस ईपीएस ईपीएस, सुपर क्विक, नाम मीनिंग बोलो, फॉर्मूला बोलो, फुल फॉर्म बोलो, जो बोलना है बोल सकते हो। पीपल ईपीएस के बारे में क्या बोल रहे हो? चलो आ जाओ, वेट कर रहा हूं। पैट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, श्रुति कह रहे हैं पैट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, अंशिका कह रहे हैं पैट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, नरेंद्र कह रहे हैं ईपीएस, ठीक है, शुभम कह रहे हैं पैट डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर, रिया बेसिक है, बहुत बेसिक है, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ। अरे रिया आप तो चले गए एफआर में, आप एकदम इतने स्पेसिफिक हो गए, आप एफआर में चले गए, ठीक है। शुभम, एक शेयर के बदले का प्रॉफिट, यार परफेक्ट। देखो मुझे कौन लोग सबसे अच्छे लगते हैं पता है, जो लोग चीज का मीनिंग बोलते हैं। फॉर्मूला डेफिनेशन तो है ही, मतलब उसका सबका, पर मीनिंग क्या होना, मतलब समझ में आ गया यार, कंपनी के टोटल अर्निंग्स है वो, तो टोटल है ना भाई, पर शेयर पे कितनी, पर शेयर मतलब जितनी भी अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। लेकिन इसमें एक स्कैम सुनना, वैसे तो पता ही आप लोगों को, बट मैं हर एक चीज बताऊंगा राइट फ्रॉम द बेसिक। सर क्या होता है ना, कंपनी का होता है पैट। अब मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, नेट प्रॉफिट में क्या सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर का राइट है या फिर किसी और का भी है? क्या बोलते हो, है क्या किसी और का राइट है ना? मतलब पहले उसको देना पड़ेगा क्या हमें? तो दे दो ना भाई, बोल रहे हो तो दे ही दो ना। तो प्रेफरेंस डिविडेंड जब हम उसको दे देंगे पैट में से, तो क्या बचेगा, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब ये जो अर्निंग्स अवेलेबल है ना इक्विटी, यही इसी अमाउंट पे ईपीएस कैलकुलेट है, क्योंकि अर्निंग्स पर शेयर सिर्फ पर इक्विटी शेयर होता है ना, पर इक्विटी शेयर का अर्निंग्स सही है ना, तो हमने बोला अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। आपको टोटल इतनी अर्निंग्स अवेलेबल है जिसके अगेंस्ट आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं उससे डिवाइड करके आ जाएगा सर अर्निंग्स पर शेयर, ठीक है? मतलब जो लोग पैड बोल रहे हैं ना वो गलत नहीं है, पर वो क्या बोल रहे हैं कि सर प्रेफरेंस डिविडेंड समझो है ही नहीं, तो उनके केस में क्या हो जाएगा, ईएएस इज इक्वल्स टू पैट। आर यू ऑल गेटिंग?
ठीक है सर, ऐसी जैसे एक बेसिक बात लिखी ना, ऐसी कहीं ना कहीं बहुत सारी बेसिक बातें लिखी रहेगी जो आपको फ्यूचर में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने में हेल्प करेगी। ठीक है, परफेक्ट सर। दूसरी बात आती है बेसिक्स में, एक और आता है जो ईपीएस से ही लिंक्ड है, वो होता है सर हमारा पी रेशियो। राइट, पी रेशियो सुपर क्विक मेरे बताने की जरूरत ही नहीं होना चाहिए, फिर से आप लोग बताना चाहिए पी रेशियो। चंद्रम पी बोलो, कोई तो बताओ यार पी। एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस, एवरीवन डू यू अग्री? मतलब सिंपल यार भाई साहब, जिसके नाम में ही उसका मीनिंग है, प्राइस टू अर्निंग। पर शेयर पे बात करोगे ना, पर शेयर, तो भाई पर शेयर प्राइस होता है एमपीएस। राइट, पीई इज इक्वल्स टू पर शेयर प्राइस होता है एमपीएस, और पर शेयर अर्निंग सर जी होती है ईपीएस। तो इसका मतलब ये हो गया कि फॉर एवरी रुपी ऑफ अर्निंग आप कितने का प्राइस देने के लिए तैयार हो मार्केट में। राइट, अगर किसी कंपनी का पी 10 है, मतलब फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ अर्निंग पीपल आर रेडी टू पे 10 रुपी ऑफ प्राइस। राइट, अब ये बात अगर समझ में आ रही है ना, तो इसको नेक्स्ट लाइन में अप्लाई कर दो। आ जाओ, मतलब डू यू अग्री, डू यू अग्री कि अगर पी की मदद से कोई एमपीएस कैलकुलेट करने का बोले, ये एमपीएस कैलकुलेट करने का बोले कोई पी की मदद से, तो हम बोल देंगे भाई साहब सेम फॉर्मूले का मॉडिफिकेशन, सेम फॉर्मूले का मॉडिफिकेशन, ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय पीई सुपर ग्रेट रिया, शुभम सुपर ग्रेट, है ना? चल रहा है बेसिक। अब मैं आपको बताऊं क्या कैसा है ना, ऐसा नहीं कि सर आप यहां पे जितना पढ़ा रहे हो सिर्फ उतना ही है। एक चीज समझना, एग्जामिनर ने ईपीएस दिया, एग्जामिनर ने नंबर ऑफ शेयर दिया, वो ईएएस आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इनफैक्ट इनफैक्ट मई 23 की एग्जाम में जो मर्जर्स एक्विजिशन का नया क्वेश्चन आया, उसमें यही बेसिक से फॉर्मूले यूज हुए यार। अब उसने क्या करा, ईपीएस दे दिया, उसने आपको नंबर ऑफ शेयर दे दिया, ईएएस कैलकुलेट करा लिया। बोलना क्या चाह रहा हूं, ये मगअप नहीं कर रहे हो, फॉर्मूला सिर्फ जान रहे हो। इसका कोई भी कॉम्बिनेशन हमें एग्जाम में लग सकता है। सिमिलरली इसका भी कोई भी कॉम्बिनेशन, एक सेकेंड, हाँ सिमिलरली इसका भी कोई भी कॉम्बिनेशन हमें एग्जाम में लग सकता है। ठीक है, परफेक्ट सर। डिविडेंड के बारे में जो जो जानना है जान लो। ठीक है, अभी आप में से कोई सोच रहा होगा, क्या सर आपने ये बताने के लिए सुबह 7 बजे उठाया हमें, ईपीएस पीई एमपीएस बेसिक? यार बेसिक्स में सब साथ में आ जाएंगे ना, आगे अच्छा रहेगा। और ये रेशियोज देख के अगर कोई सोया ना वापस, ये सोच के कि यही चल रहा है जब तक एक और नैप ले लेता हूँ, भाई साहब सपने में आके पढ़ाऊंगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, छोड़ने नहीं वाला हूँ, है ना? तो फटाफट इधर बने रहो, इधर बने रहो, क्योंकि धीरे से कब लेवल बढ़ जाएगा पता नहीं चलेगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मेरा तो लेवल नहीं बढ़ रहा है, मतलब ये खुशी की बात है आपके लिए, आपके बेसिक सुपर स्ट्रॉन्ग क्लियर है। ठीक है, आ जाओ सर। डिविडेंड पर शेयर बोलो, डिविडेंड पर शेयर में बोल सकता हूँ क्या सर, जो भी डिविडेंड का टोटल अमाउंट है ना, सो हम बोलते थे टोटल डिविडेंड, जो भी टोटल डिविडेंड है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, आपको इससे मिल गया डीपीएस डिविडेंड पर शेयर। मतलब आपको एक चीज रियलाइज हुई क्या, यहाँ पे नोट्स में देखना ब्यूटी सर, सिर्फ नाम नहीं लिखा है, ये लाइट ब्लू में पता है क्या क्या लिखे हैं चीजों के, ये वो नोटेशंस लिखे हैं। देखो यहाँ मैं लाइट ब्लू करना भूल गया, बट अदरवाइज ये जो लाइट ब्लू में आप देख रहे हो, ये वो नोटेशंस लिखे हैं जो हम एग्जाम में ऑफिशियली यूज करते हैं, है ना? मतलब एग्जाम में ये चीज आप लिख सकते हो इस तरीके से, पर्पसफुली चीज ध्यान रखिए। ठीक है सर, डिविडेंड पर शेयर एब्सोल्यूट अमाउंट में हो गया सर, रुपी में हो गया, डॉलर में हो गया, लेकिन एक चीज बताऊं आपको, एग्जामिनर हमें जो क्वेश्चन में डिविडेंड देगा ना, वो पर शेयर तो दे ही सकता है रुपी टर्म्स में, विच इज फाइन, वो किसी ना किसी परसेंटेज फॉर्मेट में भी दे सकता है, परसेंटेज फॉर्मेट में। अब वो परसेंटेज फॉर्मेट में क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती, सब पूरे एसएफएम पे जा जा जो जो आ सकता है सब इस जगह लिख लो। इससे बेस्ट पार्ट पता है क्या होगा, आपको कभी भी किसी भी चैप्टर का बेसिक डाउट आए ना, आपको पता है कि यार मुझे इस पेज पे आना है और ये चीज क्लियर करना है। पहला सर, पहला डिविडेंड दे सकता है एग्जामिनर एज अ परसेंट ऑफ फेस वैल्यू। मतलब मेरी लाइन सुनना, एग्जामिनर बोलेगा, लाइन सुन लो, एग्जामिनर बोलेगा द कंपनी अनाउंस्ड डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20%, 20% डिविडेंड का रेट है। अब आप खुद बताओ, आप जानते हो डिविडेंड रेट इज एप्लीकेबल ऑन व्हाट वैल्यू, डिविडेंड रेट इज एप्लीकेबल ऑन एवरीवन। शुभम बता दिए, जल्दी बाकी लोग, श्रुति श्रुति श्रुति, फिर
face value, Anushka, Chandram, Amit, Saksham, Abhishek, Shovik, Dhruv, Badiya, Narin, Gaurav, Dhamakedar, है ना सर? फेस वैल्यू मतलब सर, या तो मैं आपको पहले डिविडेंड रेट का फॉर्मूला बोल सकता हूँ, सर डिविडेंड रेट का फॉर्मूला क्या हो गया, या फिर रेट का फॉर्मूला बनने से मतलब नहीं है, मैं आपको ऐसे लिखवा दूं क्या, डीपीएस इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड रेट, ठीक है पहला। सर दूसरा, डिविडेंड यील्ड बता दो। अच्छा चलो यील्ड बता दो, यील्ड शायद कम लोगों को पता होगा ऐसा मुझे लगता है, ये मुझे लग रहा था कि डिविडेंड यील्ड शायद कम लोगों को पता होगा। अरे सीधे ही फॉर्मूला बोल रहे हो आप तो। देखो शौविक ने बोला सर एमपीएस पे होता है, ठीक है, सक्षम डीपीएस बाय एमपीएस, बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला। शुभम भाई फॉर्मूला उल्टा लिख दिए, फॉर्मूला उल्टा लिख दिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया। चंद्रम एमपीएस, परफेक्ट। मतलब सर डिविडेंड यील्ड, एग्जामिनर ने बोला डिविडेंड यील्ड 3% है, उसका मतलब पता है वो क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है डीपीएस डिवाइड बाय एमपीएस, डिविडेंड डिवाइड बाय एमपीएस इज इक्वल्स टू डिविडेंड यील्ड, ठीक है। तो सब लोग ध्यान से सुन लो, हो सकता है, देखो मैं फॉर्मूला को उसी फॉर्मेट में लिखा रहा हूं जिस फॉर्मेट में हमें एग्जाम में आ सकता है, मैं चाहता तो इसको भी डीपीएस इज इक्वल्स टू एमपीएस इनटू यील्ड लिखा सकता था, नहीं, जिस फॉर्मेट में एग्जाम में आने के चांसेस है उसी फॉर्मेट में लिखा रहा हूं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, देखो यील्ड वर्ड अपने को कितनी जगह आता है, मल्टीपल टाइम्स सीए फाइनल में, एक है वर्ड डिविडेंड यील्ड, एक आगे वर्ड आ जाएगा अर्निंग्स यील्ड, है ना। फिक्स्ड इनकम में सर वर्ड, फिक्स्ड इनकम में वर्ड आता है कौन सा, करंट यील्ड या फिर वाईटीएम यील्ड टू मैच्योरिटी। एक चीज ऑब्जर्व करो, जहां जहां यील्ड वर्ड आया है वहां वहां हमेशा कैलकुलेशन में यूज किया गया है एमपीएस का, देख रहे हो क्या स्क्रीन, वहां वहां यूज किसका किया गया, एमपीएस का। मतलब डिविडेंड यील्ड भी बोला तो डिविडेंड कितना कमाया एज अ परसेंटेज ऑफ एमपीएस, मतलब भाई साहब इतना एमपीएस लगाकर कितना डिविडेंड मिल रहा है मार्केट में, दैट इज डिविडेंड यील्ड। समझा पाया क्या डिविडेंड यील्ड का अंडरस्टैंडिंग, एवरीवन प्लीज बता दो भाई साहब, यस नो, यस अमित, श्रुति, रिया, चंद्रम, शुभम, यस यस यस, सुपर। सर पे आउट रेशियो, पे आउट रेशियो तो और ही कॉमन सेंस है, कंपनी ने 1000 रुपया कमाया उसमें से 600 रुपया डिविडेंड के फॉर्म में बांट दिया, ठीक है, कंपनी ने 1000 रुपया कमाया 600 रुपया अर्निंग्स के फॉर्म में बांट दिया, मतलब 60% ऑफ इट्स अर्निंग्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ एवरीवन डिविडेंड, है ना। मतलब हम बोल सकते हैं कि डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% है सर, पर शेयर लेवल पे हम बोलेंगे डीपीएस डिवाइड बाय ईपीएस, कंपनी ने जितना कमाया उसका कितना डिविडेंड है जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो परसेंटेज टर्म्स में पता चल जाएगा डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना। और प्लीज देखना पे आउट रेशियो से ही रिलेटेड वर्ड रिटेंशन रेशियो, तो पहले तो सर रिटेन्ड अर्निंग्स का मीनिंग जान लो, ठीक है। अरे चंद्रम तो पहले ही फॉर्मूला फेंक दिया हमारे ऊपर, बिल्कुल सही फॉर्मूला। सर एक चीज देख लो, रिटेन अर्निंग पर शेयर लेवल पे क्या होता है, ईपीएस डिवाइड बाय डीपीएस। सर इतना कमाया माइनस उसमें से डिविडेंड के फॉर्म में इतना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों पर शेयर लेवल पे, तो आ गया सर पर शेयर लेवल पे रखा कितना अपने पास। और सर रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन रेशियो का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रिटेंशन रेशियो का फॉर्मूला, सर रिटेंशन रेशियो के मल्टीपल फॉर्मूले, या तो आप ऐसे सोच लो सर रिटेन अर्निंग डिवाइड बाय ईपीएस, है ना, या फिर आप तो सिंपल ऐसा भी सोच सकते हो 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। मतलब क्या, एक सेकेंड दे जो, एक सेकेंड देना, यस, मतलब सर जब 60% आपने बांट दिया तो ऑब्वियसली 40% आपने रखा होगा, तो रिटेंशन रेशियो परसेंटेज की टर्म्स बताता है हमने कितना रखा, ठीक है। यहां पर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूं, बेसिक है, आगे चल रहे हैं। एक बार यस नो सेंड कर दो यार प्लीज चैट पे, बताओ सर यस नो सेटो, पवन, वेंकटेश, लोकवेंद्र, रिया, कुणाल, सुपर ग्रेट, आश्रय, नरेंद्र, बढ़िया, चलने दे, जाने दो। अच्छा एक चीज बताओ,
मार्केट कैपिटलाइजेशन की जब बात करते हैं, है ना, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है सर? कंपनी के जितने भी इक्विटी शेयर्स हैं उनकी वैल्यू। लेकिन सर कौन सी वैल्यू? एक वैल्यू तो बुक में भी होती है ना, उसको कहते हैं बुक वैल्यू। ये है सर मार्केट में, मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग कंपनी की वैल्यू कितनी है टोटल इक्विटी शेयर की, वो हो जाएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब सर कितना सिंपल है, कोई भी कंपनी है से जस्ट डायल। अभी आपको एक चीज बता दूं, जैसे जैसे चीजें आएगी मैं क्लियर करते जा रहा हूँ। ये आपको लाइट ग्रे टेक्स्ट दिख रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव पता है क्या है? देखो क्या हुआ ना, मुझे जब मैं नोट्स बना रहा था, आपको पता है नोट्स बनने में फाइनल जो वर्जन आप देख रहे हो अभी लगभग 3 साल लगे, इतने मॉडिफिकेशंस के बाद यहाँ पे आए। क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल सुनना, जब मैंने पी रेशियो लिखा तो मुझे लगा कि यार समझो आज तो आपने पढ़ लिया, लेकिन मुझे लगा एग्जाम तक आते आते शायद आप इसका कॉन्टेक्स्ट या फिर मीनिंग खो दोगे, ठीक है? तो इसीलिए मैंने क्या करा है यहाँ पे, इसको ग्रे टेक्स्ट में लिख दिया। तो अगर किसी स्टूडेंट को जरूरत लग रही है तो वो ग्रे टेक्स्ट पढ़ेगा, अदरवाइज एग्जाम वाले दिन या फिर सेकंड रिवीजन में उसको, या फिर इनफैक्ट शायद फर्स्ट रिवीजन में भी उसको ग्रे टेक्स्ट नहीं पढ़ना है। ग्रे टेक्स्ट क्लास आज तो समझ ही रहे हैं क्लास में, और उसके बाद जब भी फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तब ग्रे टेक्स्ट पढ़ लेना, उसके बाद आपको ग्रे टेक्स्ट नहीं पढ़ना है, ठीक है? ये बात ध्यान रखना। तो अभी जैसे एग्जाम्पल है, हम थोड़ी ना एग्जाम अभी इसीलिए लास्ट 1.5 डे रिविजन में हेल्प करेगी, हमें थोड़ी ना लास्ट डे कुछ एग्जाम्पल समझना है, तो बस बिल्ड बेस बिल्ड करने के लिए ऐसा पूरे पूरे इसमें एसएफएम में, ठीक है? चलो सर, कंपनी के 1,000 शेयर्स है और उसके अगेंस्ट हर शेयर की मार्केट प्राइस 15, तो ऑब्वियसली इसमें किसी को हमें डाउट ही नहीं कि इसका मार्केट कैप कितना हो गया, 1,000 × 15 रुपीज, 15,000 रुपए। लेकिन प्लीज समझना, यहाँ पे हमें दोनों चीजें समझना है, टोटल या फिर फुल मार्केट कैप या फिर फ्री फ्लोट मार्केट कैप, ठीक है? सर कंपनी के हमने देखा है 1,000 शेयर, किस कौन होल्ड कर रहा है, किसके पास इनकी ओनरशिप है? तो प्रमोटर्स है ना, है ना, मतलब जो कंपनी के फाउंडर्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस के लिए अंबानी एंड वॉट एवर फैमिलीज, टाटा के लिए टाटा ग्रुप के लिए टाटास एंड मिस्त्री एंड वॉट सो एवर फैमिलीज, ठीक है? ये हो गए उन कंपनी के प्रमोटर्स, ठीक है? तो जो शेयर्स वो होल्ड कर रहे हैं वो कह रहे हैं हम प्रमोटर की होल्डिंग, और अदर देन प्रमोटर जो होल्ड करते हैं आपके और मेरे जैसे लोग पब्लिक इन जनरल, वो हो गए जनरल पब्लिक का होल्डिंग। सर आपको पता है मार्केट में कौन सा शेयर ट्रेड होता है? अभी फॉर एग्जाम्पल टीसीएस का शेयर जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, वो कौन से नंबर ऑफ शेयर ट्रेड होते हैं, पूरे 1,000 या फिर 700 या फिर 300? व्हाट डू यू से पीपल, स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड हो रहा है वो कौन सा है? शुभम, अमित, ध्रुव, कुणाल, वेंकटेश, श्रुति, नितिन, गौरव, 300। सुपर ग्रेट, मतलब कैन आई से यही वो शेयर है विच आर बीइंग ट्रेडेड इन द मार्केट। फिर से बोल रहा हूँ, दीज आर द शेयर्स विच आर फ्रीली फ्लोटिंग इन द मार्केट, फ्लोट हो रहे हैं आपके पास से, मेरे पास से, किसी और के पास, इसीलिए उनको क्या कह रहे हैं, फ्री फ्लोट नंबर ऑफ शेयर। तो सर मार्केट कैप बहुत सिंपल, मार्केट कैप बहुत सिंपल सर, या तो मैं बोल सकता हूँ टोटल मार्केट कैप का फॉर्मूला, एक सेकेंड ना पेन चेंज करते हैं, ब्लू पे चलते हैं अपन। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय सर एमपीएस, सर हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पता है कितने, 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 15 का एमपीएस, मतलब 15,000 का मार्केट कैप, ठीक है? और यही अगर फ्री फ्लोट मार्केट कैप करना है तो सर सुपर इजी, फ्री फ्लोट नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एमपीएस, 300 मल्टीप्लाइड बाय 15, कितना आ रहा है आंसर, 4500 है क्या? हाँ ठीक है, वही होगा, ठीक है? अब मैं चाह रहा हूं कि एक बार, बस खाली एक बार यहां लिख ले क्या ऐसे। अच्छा एक चीज बता दूं, ये जो फर्स्ट डे के नोट्स है ना, जो अभी मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए, ठीक है, ये मैं दोनों चीजें कर दूंगा, मैं इसका वो भी शेयर कर दूंगा बिल्कुल ब्लैंक कॉपी, और ये जो रेडीमेड एनोटेटेड नोट्स है ये भी शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो आप जब भी इसकी नोटिंग करें, एक बार आपको खुद से इसकी नोटिंग करना ही है विदाउट अ थॉट, जब भी खुद से नोटिंग करें तो एक बार करने के बाद देखते हुए करना, कंफर्म कर लेना कि हाँ सही लिख रहे हो, पूरा जिसने छापा ना कॉपी पेस्ट वो तो गया, खुद से समझते हुए लिखना, ये चीजें बेसिक है बट लिखने के बाद कंफर्म जरूर कर लेना, ठीक है? और अगर कोई ऐसा है जो लिख ही नहीं रहा है उसको तो फिर भगवान से डरना चाहिए, जो ये सोच रहा है कि सर तो एनोटेटेड दे ही देंगे मैं क्यों लिखूं, ठीक है, उसको तो भगवान ही हैंडल करेंगे। यहां लिख लो सर,
फ्री फ्लोट, ठीक है। आ जाओ सर, सर मार्केट कैप अगर टोटल या फुल मार्केट कैप है तो उसका दूसरा फॉर्मूले की यहाँ जरूरत नहीं है, कुछ बेसिक है, लेकिन फ्री फ्लोट मार्केट कैप में एक और कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ। क्या मैं फ्री फ्लोट मार्केट कैप को ऐसा बोल सकता हूँ क्या सर, जो भी मेरा टोटल मार्केट कैप है उस टोटल मार्केट कैप में जो भी मेरा फ्री फ्लोट होल्डिंग है, मतलब फ्री फ्लोट होल्डिंग किसमें, परसेंटेज टर्म्स में, ये फॉर्मूला खुद से समझ पाए क्या, मेरे एक्सप्लेन करने के बिना समझ गए क्या सेकंड वाला फॉर्मूला, क्या बोलती पब्लिक, सुपर क्विक है ना। मतलब सर सिंपल सी बात है, 1,000 रुपए का टोटल मार्केट कैप है, उसमें पब्लिक इन जनरल 30% होल्ड करती है, टोटल 10,000 का मार्केट कैप, पब्लिक इन जनरल 30% होल्ड करती है, 15,000 का मार्केट कैप है, सॉरी माय बैड, ठीक है, तो 4,500 एवरीवन ऑब्वियसली फ्री फ्लोट मार्केट कैप हो गया, डन। चलिए मार्केट कैप का कैलकुलेशन डन सर, अब समझ रहे कुछ और दूसरी चीजें बेसिक जो अगेन सब जगह यूज में आने वाली है, जिसका मतलब है सर बुक वैल्यू पर शेयर। अब आई थिंक थोड़ी स्पीड बढ़ा लेना चाहिए, अग्रीमेंट है क्या सभी का, थोड़ी स्पीड बढ़ा ले के यार, ऐसे तो फिर मैं भी बोर हो जाऊंगा, ये तो बेसिक चल रहा है यार, जल्दी बताओ स्पीड के ऊपर क्या ख्याल है, थोड़ा बढ़ाए आप लोगों को भी मजा आएगा, स्पीड आइए सर, सुपर ग्रेट, बुक वैल्यू पर शेयर फटाफट बोल दो सर। इक्विटी शेयर होल्डर्स की वैल्यू दो जगह निकल सकती है, एक तो एज पर बुक्स और एज पर मार्केट। एज पर मार्केट आप जान क्या रहे हो जिसका नाम था मार्केट कैप सर, एज पर बुक्स इक्विटी शेयर होल्डर की वैल्यू क्या होती है पर शेयर लेवल पे बताना, पर शेयर लेवल पे। तो हमने कहा सर जो भी इक्विटी शेयर होल्डर का फंड था, मतलब बैलेंस शीट में जो भी टोटल इक्विटी का क्लेम था, जिसको हम क्या नाम दे रहे, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, डिवाइड बाय उनके नंबर ऑफ शेयर, तो पता चल जाएगा सर बुक वैल्यू पर शेयर कितना है। सर एक बार ये भी बता दो इक्विटी शेयर होल्डर फंड कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल्स टू, दो मेथड है बचपन से सीखते आ रहे हो, एक बार एसेट साइड से जाते हो और एक बार लाइबिलिटी साइड से। सर लाइबिलिटी साइड वाला तो बहुत ईजी है, अगर कोई इक्विटी शेयर कैपिटल है तो वो ले लो, अगर कोई रिजर्व इन सरप्लस है तो वो ले लो, रिजर्व सरप्लस में पीएनएल वगैरह सब कुछ आ गया, ठीक है। माइनस माइनस सर अगर कोई पीएनएल का डेबिट बैलेंस है ना एसेट साइड में तो माइनस कर देना, हमें जानना है इक्विटी का आफ्टर राइटिंग ऑफ ऑल द लॉसेस कितना है बॉस, और क्या माइनस करोगे। अगर कोई मिसेलेनियस एक्सपेंडिचर है ना, जो भी अनरिटर्न ऑफ है, अनरिटर्न ऑफ कोई मिसेलेनियस एक्सपेंस, उसको भी माइनस कर देना, ये आ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। और इसी चीज का एक बार एसेट साइड से जाके बताओ ना प्लीज, एसेट साइड से इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करके बता दो सभी लोग चैट में प्लीज। वेट कर रहा हूं आप, इतना इजी चंद्रम, आप सीए फाइनल का एग्जाम दे रहे हो, आपको लग रहा है आप एसेट माइनस लाइबिलिटी करोगे तो एग्जामिनर मार्क्स देगा, सब कुछ फाइनल बताओ इसमें क्या क्या कंसिडर करते हुए। गौरव आश्रय अंशिका, एसेट माइनस नॉन करंट एंड करंट लाइबिलिटीज, कुणाल टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज माइनस एक्सटर्नल बोरोइंग, टोटल एसेट माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी, ठीक है ठीक है। समेशन ऑफ नेट फिक्स्ड एसेट, नेट करंट एसेट माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, वेंकटेश ओके ओके। तो देखो आपने मोरल सही बोला है ना, लेकिन मैं क्या सुनना चाह रहा था स्पेसिफिकली कि सर माना उसको नेट एसेट भी कहते हैं है ना, उसको नेट एसेट नेट वर्थ भी कहते हैं, लेकिन एसेट साइड में भी तो ये चीजें हो सकती है ना बॉस, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि सर जो भी कंपनी के एसेट्स हैं टोटल, ठीक है एक सेकेंड रुको, उसको थोड़ा सा नीचे ही लिख देता हूँ, टोटल एसेट्स लिखते हैं, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी माइनस, है ना। तो कंपनी के जो भी टोटल एसेट्स थे उसमें से एक्सटर्नल वालों की लाइबिलिटी माइनस कर दी, मानी बात, तो बचाओ सब इक्विटी का है। लेकिन भाई साहब उन टोटल एसेट्स में भी तो स्कैम रखा हुआ था, हेलो,
उस टोटल एसेट्स में भी तो सर जी कंपनी के पीएनएल का डेबिट बैलेंस था, मिसेलेनियस एक्सपेंस थे जो खुद में एसेट्स ही नहीं, वो फिक्टिशियस एसेट्स है, वो माइनस करके पता चलेगा कि इक्विटी शेयर होल्डर का बैलेंस कितना है, क्लेम किसका है। इक्विटी शेयर होल्डर के इन फंड्स को नेट एसेट्स या फिर नेट वर्थ भी कहा जाता है। बताओ सर, क्लैरिटी है? कंफ्यूजन का कोई स्कोप तो नहीं है? प्लीज रिस्पॉन्ड कर दो। ठीक है, जिनको लग रहा है बेसिक है, हम बेसिक के भी सारे डिटेल्स जान के ही आपको छोड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज क्या होगा ना, अभी ये सब नहीं बताया ना, कल को किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, अभी कल को किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मैंने डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दिया, तो बंदा बोल रहा है कि सर लाइबिलिटी साइड में थे तो समझ में आता है कि पीएनएल का डेबिट बैलेंस माइनस कर दो, क्योंकि वो एसेट साइड में रखा था, क्योंकि हमने स्टार्ट लाइबिलिटी साइड से किया है तो एसेट साइड की चीजें माइनस कर दो। बोलेगा सर ये तो समझ में आता है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर जब एसेट साइड से ही स्टार्ट किया तो एसेट वाली चीजें माइनस क्यों कर रहे हैं। अब जब आप फिर आज बेसिक मिस करके वहां ऐसे क्वेश्चन पूछते हो तो फिर वो बन जाता है कौन सी सिचुएशन, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, है ना, फिर कुछ बचता नहीं है। ये सब चीजें होने का नहीं। पीएनएल डेबिट बैलेंस में क्या लेना है वो समझाओ। यशिका, यशिका आपको याद है पुराने जमाने में जो बैलेंस शीट बनती थी, आईसीआई के पुराने क्वेश्चन है, जिसमें कभी कभी क्या करता है वो एसेट साइड में बोलता है पीएनएल बैलेंस, मतलब वो पुराने अक्यूमुलेटेड लॉस है, जैसे रिटेन अर्निंग क्रेडिट बैलेंस होता है ना आपकी अक्यूमुलेटेड अर्निंग्स, वैसे पीएनएल का डेबिट बैलेंस अक्यूमुलेटेड लॉस है वो। ठीक है, रिटेन्ड अक्यूमुलेटेड लॉस, यशिका ठीक है कूल। देखो सर आ जाओ रिटर्न ऑन इक्विटी पे, बता दो फटाफट कोई खुद से रिटर्न ऑन इक्विटी। कैन आई से रिटर्न ऑन इक्विटी सिंपली ईपीएस डिवाइड बाय एमपीएस। हेलो, ईपीएस डिवाइड बाय एमपीएस, एग्रीमेंट है या नहीं है रिटर्न ऑन इक्विटी को लेकर, क्या बोलती पब्लिक? ऑलरेडी ऑन रेट ऑफ रिटर्न, चंद्रम ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। बताना पड़ेगा सर आरओई पे, या तो मीनिंग बताना पड़ेगा या फॉर्मूला बताना पड़ेगा, ऐसे छोड़ने नहीं वाला हूं मैं। बता दो भाई ईपीएस डिवाइड बाय एमपीएस इनटू 100, शुभम ने ये कहा है ठीक है। अंशिका आंसर दो, ध्रुव, अभिषेक, अमित, नितिन, वेंकटेश, विक्की, रिया, गौरव, पवन, आंसर दो सर। रिक्वायर्ड अर्निंग रेट, नितिन बोल रहे हैं ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ पी, वेंकटेश ठीक है। पर शेयर वैल्यू, गौरव। यार बेसिक्स पे बहुत जबरदस्त काम करने की जरूरत है सर, बेसिक्स बहुत ज्यादा हिल रहे हैं अपने। चंद्रम एन डिवाइड बाय ईएसएफ का मतलब क्या हो गया? पैट डिवाइड बाय इक्विटी, अभिषेक। वाई नॉट शेयर होल्डर फंड राज, ईपीएस बाय एमपीएस। यार फाइनली इतने सारे स्टूडेंट्स ने, अब जाकर किसी ने आरओई का सही फॉर्मूला बताया, क्या बात कर रहे हो मेरे दोस्त। आरओई नहीं मिस कर सकते बॉस, सुनना 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 सुनना, मतलब इमेजिन कर लो, इमेजिन कर लो, आज के बाद कभी फॉर्मूला भूलोगे नहीं ठीक है। मतलब यार ये ऐसा फॉर्मूला इतना सिंपल कि सीएफए स्टूडेंट नहीं भूलता है कभी, आप तो, अपन तो सीए यार, अपन कैसे भूल सकते हैं। एक चीज समझना भाई साहब, बैलेंस शीट है ना, मतलब पहली बात तो आरओई वो रेशियो है जिसमें मार्केट का कोई रिलेशन ही नहीं है, ये तो भाई साहब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट पे बेस्ड रेशियो है। ये अपना बैलेंस शीट है, ये अपना इनकम स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट में इक्विटी ने पैसा लगाया खुद का, किस एक्सपेक्टेशन से? रिटर्न अर्न करने के एक्सपेक्टेशन से। तो आप इनकम स्टेटमेंट में देख के प्लीज उसको बता दो ना कि भाई साहब इतना रिटर्न, ए रिटर्न आपको मिला है ई ए ई एस के फॉर्म में, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर के फॉर्म में, वो नेट प्रॉफिट में से प्रेफरेंस डिविडेंड हटाने के बाद ए ए अमाउंट उसको मिला है बाय इन्वेस्टिंग बी अमाउंट इन द बिजनेस। प्लीज कहां आ रहा है नंबर ऑफ शेयर, कहां आ रहा है मार्केट प्राइस, कुछ नहीं है, पूरा बुक का रेशियो है। हाँ नितिन, आपने सही बताया, और एक्चुअल में कुछ लोगों ने सही बताया बट कुछ ने ही सही बताया। देखो मेरा तो काम है कंफ्यूज करना, मैं तो बोलूंगा आपको ईपीएस डिवाइड बाय एमपीएस, आपको मान के चलना है मैं झूठ बोल रहा हूँ, सोचना है खुद से, क्योंकि मैं आपके दिमाग पे जोर डालूंगा नहीं ना तो आपको नींद आ जाएगी, समझ रहे हो क्या? ठीक है सुनना,
सुनना सर सर, रिटर्न ऑन इक्विटी। अच्छा चलो ये भी रुक जाओ यार, अभी तो मेरे को गुस्सा ही आ गया है। सुनो मेरी बात, मैंने आपको बोला कि आपने 100 रुपए लगाए, 100 रुपए लगाकर मेरे दोस्त आपने 20 रुपए कमाए, परसेंटेज टर्म्स में बोलोगे व्हाट इज द रिटर्न ऑन दैट 100 रुपी? व्हाट इज द रिटर्न ऑन दैट 100 रुपी बताना जरा प्लीज, परसेंटेज टर्म्स में 20% बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो? क्या आप में से हर किसी ने 20 डिवाइड बाय 100 नहीं किया? किया ना, रिटर्न ऑन 100 रुपी के लिए। मतलब आप डिनोमिनेटर में लेते हो सर वो अमाउंट जो इन्वेस्ट हुआ है, और न्यूमरेटर में लेते हो सर वो अमाउंट जो उस पे रिटर्न मिला है। करेक्ट, डिनोमिनेटर में अमाउंट इन्वेस्टेड, न्यूमरेटर में अमाउंट जिस पे रिटर्न मिला। अग्रीमेंट? तो भाई साहब जब मैंने पूछा रिटर्न ऑन इक्विटी, तो लो ना डिनोमिनेटर में इक्विटी का अमाउंट एज पर बुक्स बोल सकता हूं क्या? इक्विटी शेयर होल्डर फंड एज पर बुक्स, क्या इक्विटी का अमाउंट बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर होल्डर फंड के नाम से बोल सकता हूं क्या? यस नो बोलो ना। हेलो हेलो, ऊपर सीख रहे हो ना, इक्विटी शेयर होल्डर फंड मतलब टोटल इक्विटी का बैलेंस एज पर बुक्स। तो इक्विटी का इतना अमाउंट इन्वेस्टेड है बिजनेस में, अब सोच के बताओ इतने अमाउंट इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट उनको न्यूमरेटर में क्या रिटर्न देता है बिजनेस? एबिट देता है, पैट देता है, ईएएस देता है, क्या देता है बताओ, क्या देता है? इक्विटी ने जितना भी पैसा लगाया, पैट नहीं देता है राज। मतलब घर पे आ जाऊंगा आपके अगर पैट बोला तो, शुभम जिसने भी पैट बोला ना उसके घर पे आ जाऊंगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ईएईएस, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, उनको रिटर्न मिलता है अगेंस्ट द अमाउंट दे इन्वेस्ट। क्योंकि पैट में तो प्रेफरेंस वालों का है ना, ये तो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है? और न्यूमरेटर में ईएएस मिलता है। जिनको लगा था ना डिविडेंड, उनको मैं पूरा गलत नहीं बोलूंगा क्योंकि डिविडेंड मतलब कैश अर्निंग्स, लेकिन आप समझ रहे हो रिटर्न से अपना मतलब था यहाँ पे, अर्निंग के फॉर्म में उनका रिटर्न कितना, ठीक है? नितिन ये रिक्वायर्ड अर्निंग रेट नहीं है, ये रिक्वायर्ड अर्निंग रेट नहीं है, रिक्वायर्ड कुछ और है। इसीलिए तो ये बेसिक क्लास रखते हैं ताकि हम इधर उधर भटके नहीं। बहुत सारी चीजें आएगी अभी तो, आपके अभी खुलने वाले हैं, सब होश उड़ने वाले हैं, ठीक है? चलेगा सर। ईएएस डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ये था जब टोटल, भाई साहब टोटल इक्विटी शेयर होल्डर का फंड और टोटल अर्निंग्स मिले हो। अब मुझे एक चीज बताओ ना, एक चीज बताओ, अगर इसी चीज को मैं पर शेयर लेवल पे कैलकुलेट करना चाहूं तो खुद से फॉर्मूला आना चाहिए। 1 मिनट ले लो फॉर्मूला खुद से बनाना और चैट पे फिर रिस्पॉन्ड करो हर कोई। पर शेयर लेवल का यही फॉर्मूला मुझे करके बता दो हर कोई, ठीक है? वेट कर रहा हूं, चैट में ही देखूंगा। बताओ बताओ बताओ, निलेश ने बताया भाई साहब फॉर्मूला, गौरव अमित ठीक है, नितिन, यार नितिन क्या कर रहे हो, डिविडेंड तो है ही नहीं पिक्चर में। नितिन आप मेरे से मेरे मजे लेने आए हो क्या क्लास में, ऐसा लग रहा है। आश्री बिल्कुल सही, रिया सही, शुभम सही बोल रहे हो। मनीषा आंसर दो, कुणाल विक्की आंसर दो, ध्रुव आपने दे दिया क्या, चंद्रम यशिका पवन आपने दे दिए, वेंटेश ईपीएस डिवाइड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, परफेक्ट सर। खुद ही सोचो ना, कॉमन सेंस लगाना। अगर मैं इसको एन से डिवाइड करूंगा, ईएएस डिवाइड बाय एन किसका फॉर्मूला पढ़ के आए हो सर? बहुत फर्स्ट फॉर्मूला था अपनी बुक का, नाम था ईपीएस। सर इक्विटी शेयर होल्डर फंड अगेन डिवाइड बाय एन, मतलब जो भी टोटल इक्विटी के फंड से पर शेयर इक्विटी का फंड कितना होता है, बुक वैल्यू पर शेयर, अभी ऊपर पढ़ के आ रहे हो बुक वैल्यू पर शेयर। इन दोनों का इंटरप्रिटेशन एक ही है कि सर जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग बिजनेस में इक्विटी का, उसके अगेंस्ट एक बिजनेस, उसके अगेंस्ट कंपनी उनको कितना रिटर्न प्रॉफिट की टर्म्स में अर्न करके दे रही है, ठीक है? ये रिटर्न ऑन इक्विटी के फॉर्मूले हैं, ठीक है? परफेक्ट, ग्रेट। ये अच्छा है ना गाइस, आपका क्या ओपिनियन है? देखो दो दो चॉइसेस थी अपने पास। एक चॉइस थी कि यार जब जो काम आए ना वो फॉर्मूला वहीं पढ़ लो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार फिर उनको पूरी बुक में ढूंढेंगे का,
तो बेटर है सारे बेसिक्स एक जगह लिख रो ताकि पूरे SFM में कहीं भी काम आए हम स्टार्टिंग में आके देख सकते हैं. व्हाट इज योर ओपिनियन, इज दिस आइडिया मेकिंग सेंस टू यू पीपल? क्योंकि मतलब मेरे साथ हो चुका है एज अ स्टूडेंट, एग्जाम वाले दिन भी कभी कभी बेसिक्स पे डाउट आ जाते हैं. एग्जाम्स वाले दिन एक बार मैं यही कंफ्यूज हो गया कि यार वो एन्यूटी ड्यू और रेगुलर एन्यूटी के कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन हो गया कि कौन सा और वो फॉर्मूले में कैसे उसका इफेक्ट देते हैं. तब मुझे समझ में आ गई कि भाई साहब बेसिक्स तो सारे एक ही जगह होने चाहिए. ठीक है, बढ़िया. और ये पता है क्या मैं बताऊं, अभी जो SFM के पेपर आ रहे हैं ना जिसमें वो बेसिक क्वेश्चन, देखो SFM अभी आपने इंस्टीट्यूट को ऑब्जर्व किया, देखो मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर वो नए क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो यार अपन ऐसा नहीं बोल सकते पेपर टफ बनाया. नए क्वेश्चन में भी टफ बनता है बट वो नए में भी कभी कभी इजी पूछता है इंस्टीट्यूट. और अगर वो नहीं कर पा रहे हो मतलब हमारे प्रिपरेशन की कमी है. मैं आपको यार सिंपैथी देने नहीं आया हूँ कि सिर्फ उन्हीं को हमेशा बोलूंगा कैसा पेपर देते हैं. यार हमें भी तो हमारे प्रिपरेशन का लेवल अप करना है ना यार. वो पूछेगा नया क्वेश्चन, क्यों नहीं पूछेगा? कॉन्सेप्ट तो वही रख रहा है ना जो आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट करिकुलम में बना के दे रहा है. ठीक है, तो वो नए क्वेश्चन तभी सॉल्व होते हैं सर जी, वो नए क्वेश्चन तभी सॉल्व होते हैं जब हमारे बेसिक्स क्लियर हो. अदरवाइज तो फिर वो पुराना जो अप्रोच चल रहा है ना कि देखे हुए क्वेश्चंस का रट्टा लगा लो, वहां फिर फंस जाते हैं. ठीक है, आओ अब पता है रिटर्न्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न्स की बात करेंगे, रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है, सबसे पहले बोल रहा हूं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, मैं भी अग्री कर रहा हूं आप सबसे. ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, देखो ये वर्ड प्राइमरीली हमारे कोर्स में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में काम आएगा. फिर भी इसका एक कॉन्टेक्स्ट ले लो. देखो आज आप खड़े हो, आपने बोला कि सर मेरे मार्केट में शेयर है 100 रुपए का. ठीक है, हमने कहा ठीक है दिख रहा है स्टॉक मार्केट में. फिर आप बोल रहे हो कि सर हमें ऐसा लगता है ना, हम एस्टिमेट करते हैं, हमें ऐसा एस्टिमेट हो रहा है सर कि ये शेयर का प्राइस आज से 1 साल बाद किसी भी हाल में 120 टच हो जाएगा. तो 100 वाली चीज जब 1 साल बाद 120 टच हो जाएगी, या आप एस्टिमेट कर रहे हो, आपने प्रेडिक्ट किया है कि यार कंपनी जिस हिसाब से रेवेन्यू अर्न करेगी, कंपनी जिस हिसाब से प्रॉफिट कमाएगी, कहीं ना कहीं शेयर के भाव, कंपनी के मार्केट में डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्ट की, शेयर के भाव 120 टच हो जाएंगे. दिस इज योर एस्टिमेट, दिस इज योर एक्सपेक्टेड. ठीक है, तो अब मैं पूछूं कि यार आपके एस्टिमेट के अकॉर्डिंग, आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तो आप बोलोगे सर 100 वाली चीज जब 120 हो रही है ना, तो हमें 20% का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न समझ में आ रहा है. बिना फॉर्मूले के कॉमन सेंस कन्वे कर पाया क्या एवरीवन प्लीज? हेलो, है ना? तो इसीलिए मीनिंग भी लिख दिया और यहाँ वो ग्रे टेक्स्ट में आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेम जो मैंने फॉर्मूला बोला है वो भी बना दिया. नंबर्स अलग हो सकते हैं ऑब्वियसली, है ना? तो हम क्या बोलेंगे सर, कितना रेट ऑफ रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी भी शेयर पे? सर P1 - P0, मतलब 120 - 100, तो 20 रुपया तो ये कमाया. अब ऐसा अभी समझो वो कंपनी अगर 5 रुपए का डिविडेंड भी दे देती 1 साल के एंड में, तो कैन आई से कि मुझे 5 रुपए और मिल जाते? और ये सब मिलता क्या लगाकर, अपने पॉकेट से क्या लगाकर मिलता? ये सब मिलता सर P0 लगाकर, 100 रुपी लगाकर. प्लीज ये फॉर्मूला जीरो मगब केस. हाँ ठीक है, तो हमने बोला सर 120 - 100 समझो अभी डिविडेंड 0 ले लेते हैं. ठीक है, क्योंकि एग्जांपल में लिखा नहीं है. हमने बोला डिवाइड बाय 100, सॉरी माय बैड, रुक जाओ क्योंकि यहाँ 115 है ना यार, मैंने गलती से अपना ही एग्जाम्पल बोल दिया था. 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न. अब मुझे पता है आपसे शिकायत क्या है. आपसे शिकायत मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न सेम होते हैं. क्या ऐसा मेरा मानना सही है? आपको क्या लगता है? आप में से किसको लगता है कि एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड सेम है सर? किसी को नहीं. क्या बात है, शानदार, है ना? एक्सपेक्टेड वो होता है जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि आपको भी उतना ही चाहिए बॉस. एक्सपेक्टेड मतलब क्या लगता है कितना मिलेगा, रिक्वायर्ड मतलब कितना मिनिमम आपको रिक्वायर्ड है.
जैसे आपने बोला यार बैंक एफडी में रिस्क नहीं है, तो वहां से 6% मिलता है, बहुत है। हमने पूछा टीसीएस के शेयर में, आपने बोला यार उसमें थोड़ी रिस्क है, तो ज्यादा रिस्क के लिए मुझे ज्यादा रिटर्न चाहिए। आपने बोला वहां से तो 12 चाहिए। आपने बोला बिटकॉइन में तो और ज्यादा रिस्क है, वहां से तो 30% रिटर्न चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कितना एक्सपेक्टेड है, मतलब कितना लगता है कि कितना मिलेगा, मतलब क्या लगता है कि कितना रिटर्न मिलेगा, लेकिन रिक्वायर्ड का मतलब होता है कितना मिनिमम चाहिए। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, तो कितना मिनिमम चाहिए उसका मतलब होगा रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड पे भी आएंगे, और रिक्वायर्ड का रिलेशन किससे होता है, कहीं मैंने लिखा है क्या रिस्क का कॉन्टेक्स्ट? रिक्वायर्ड इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हैं एक सेंस में। कैसा होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? जैसे मैंने बोला कि यार मैं कंपनी ए में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, वहां मुझे 15 मिल रहा है, और आप बोल रहे हो कि चल भाई बी में इन्वेस्ट कर दे, तो डू यू अग्री अगर रिस्क सेम है तो मुझे कंपनी बी से भी 15 तो एटलीस्ट चाहिए, क्योंकि बी में आऊंगा क्या करके, ए को छोड़कर। तो ए से 15 मिल रहा था तो बी से मिनिमम 15 तो हो ही गया ना। मतलब डू यू अग्री, वो जो मेरा रिक्वायर्ड है वो कभी कभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से भी आता है। ठीक है, परफेक्ट। अब एक बार यहां सिर्फ इतना लिखते हैं, लिख लेते हैं डिपेंड्स ऑन रिस्क टेकन। द मोर रिस्क यू टेक इन अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी द मोर रिटर्न यू रिक्वायर, करेक्ट? तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर एक बार समझना। सर टोटल जो भी आपको रिटर्न कमाने की इच्छा होती है उसमें होते हैं 3 कंपोनेंट। ठीक है, पहला कंपोनेंट, इन दोनों को मिलाकर बता रहा हूं, पहला कंपोनेंट होता है सर नॉमिनल। यार हैंड राइटिंग का कुछ करना पड़ेगा, हैंड राइटिंग सुधारने की कुछ टेक्निक्स बता दो आप लोग। नॉमिनल रिस्क फ्री रेट, भाई साहब फॉलो कर रहे हो क्या? सबसे पहले आता है इन दोनों को मिलाकर, पूरा एक्सप्लेन करूंगा चार्ट, बेसिक्स पे रहना। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ने की परमिशन है क्या अभी तक? जो जो बोला सब क्लियर हो, बताओगे एक बार प्लीज? रिया यस, अमित यस, गौरव, शुभम, नीलेश, अंशिका, कुणाल, अभिषेक, जाने दे आगे। ओके शुभम, ध्रुव, सक्षम, विक्की, कुणाल, चलो जाने दे आगे, तब ध्यान से देखना। अरे कहाँ गया? सर आपको कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितना चाहिए? सर मिनिमम रिस्क फ्री चाहिए। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे कि भाई साहब अगर आप में इन्वेस्ट नहीं किया तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड बैठा है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड में लगा देंगे, तो वहां लगाएंगे और वो तो रिस्क फ्री माना जाता है। मतलब वहां लगाएंगे और वहां से अगर 7% मिल रहा है तो मिनिमम आप में इन्वेस्ट करके तो 7 चाहिए ही, क्योंकि रिस्क नहीं लेने पर भी हमको 7 तो फिक्स मिनिमम मिल ही रहा है। मतलब सबसे कम आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है? नॉमिनल रिस्क फ्री रेट तो चाहिए। ठीक है, मतलब हम बोलेंगे नॉमिनल रिस्क फ्री रेट को एक्सप्लेन बाद में करता हूं, अभी सिर्फ इतना लिख रहा हूं कि नॉमिनल रिस्क फ्री रेट ही होता है। अब एक बात बताओ, अगर आपकी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहा हूं और आपकी सिक्योरिटी में अगर रिस्क है, तो डू यू अग्री दैट एज कंपेयर टू गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप में जितनी रिस्क है वो रिस्क लेने के लिए मुझे एडिशनल रिटर्न और चाहिएगा पीपल? और उस एडिशनल रिटर्न को मैं क्या बोलता हूं? रिस्क प्रीमियम। तो आई यू अंडरस्टैंडिंग? आपकी टोटल जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है नॉमिनल रिस्क फ्री रेट प्लस द रिस्क प्रीमियम फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा रिस्क। रिया रिया, आरएम माइनस आरएफ आपकी बात सही है, लेकिन वो सिर्फ सीएपीएम तक लिमिटेड है। हमें तो एक जेनरिक कॉन्टेक्स्ट लेना है कि हाँ यार समझ रहे हो, उसको फॉर्मूला में ले जाएंगे, वो पोर्टफोलियो में ले जाएंगे या फिर सीएपीएम में ले जाएंगे, लेकिन एक जेनरिक सेंस होता है ना कि हाँ यार एक्स्ट्रा रिस्क लिया इसलिए एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, उसको नाम देंगे रिस्क प्रीमियम, हमेशा काम आएगा। अब आप एक बात मानोगे, ये वर्ड स्पेसिफिकली मई 23 के एग्जाम पेपर में यूज हुआ है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के क्वेश्चन में, है ना? और याद आया क्या आपको क्वेश्चन? रिस्क प्रीमियम वो 6 है जिसमें आप लोग कह रहे थे सर एग्जाम में डिटेल्स मिसिंग है। 6 से कौन सा क्वेश्चन है? 5B, वो शार्प ट्रेनर्स रेशियो जिसमें दिया है शायद, जेनसेन सल्फा, है ना? एनीवेज सर ये रिस्क प्रीमियम है। अब एक चीज आप बताना,
सर आपको जब आप समझो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड की जगह बैंक एफडी बोलते हैं, समझो आपने बैंक एफडी में इन्वेस्ट किया और बैंक एफडी ने दिया आपको 7% रिटर्न, डू यू अग्री दिस इज द टोटल रिटर्न जो आपको बैंक एफडी दे रहा है? बैंक एफडी में इन्वेस्ट करे तो आपको टोटल 7 मिला, लेकिन मैं आपको बताऊं इफेक्टिवली आपने 7 कमाया ही नहीं, इफेक्टिवली आपने 7 कमाया नहीं, क्यों? देखो मैं बताता हूँ, आपके पास भाई साहब 100 रुपए थे, इस 100 रुपए की मदद से आप खरीदने जा रहे थे एक एप्पल, 100 रुपए का एक एप्पल आ रहा था, है ना? जब आप खरीदने जा रहे थे तो आपने देखा कि यार बीच में बैंक आ गया, तो आपने सोचा चलो एक काम करते हैं, बैंक में 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा है, तो एप्पल नेक्स्ट ईयर खा लूंगा मैं, अभी ये 100 रुपए की एफडी बना देता हूँ। तो बैंक ने 100 रुपए की एफडी बना के 7% के हिसाब से 1 साल बाद आपको 107 रुपया दिया, करेक्ट? तो आपने बोला चलो ठीक है, 1 साल बाद जब आपने 107 रुपए आपके हाथ में आए तो आपने बोला चलो अब जाके एप्पल खरीदता हूं, तो जो एप्पल पहले 100 रुपए का था सर मार्केट में 3% इन्फ्लेशन निकल गया, मतलब वो एप्पल भाई साहब द सेम एप्पल अभी आ रहा है 103 का, मतलब डू यू अग्री कि आपको दिए थे जो पॉकेट से आपने 100 रुपए, रिटर्न में अगर वो 100 मिलते हैं तो उसकी वैल्यू कम है, क्यों? क्योंकि सर 0 पॉइंट पे उस 100 रुपए से एक एप्पल आ रहा था, 1 साल बाद तो 100 रुपए में एक एप्पल भी नहीं आ रहा है, तो एक एप्पल कितने में आ रहा है? 103 में, मतलब डू यू अग्री कि आपको जो रिटर्न में 107 रुपए मिले उसमें 7 रुपए की अर्निंग नहीं है बॉस, 103 रुपए तो आप मान के चलो बस ऐसे कैसे वापस मिले, क्योंकि 100 में भी एक एप्पल आ रहा था, 103 में भी एक ही एप्पल आ रहा है, तो 103 रुपए तो आपको वापस मिले, आपने रियलिटी में कितना कमाया, एक्चुअल में आपने कितना कमाया? सिर्फ 4 रुपया। क्या इस बात का मैं आपको सेंस दे पाया? प्लीज एवरीवन, है ना? मतलब ये कि सर जो भी मेरा नॉमिनल रेट होता है, तो देखो इन जनरल जब मार्केट में कोई कोट करता है, एक सेकेंड ना, इन जनरल जब मार्केट में कोई कोट करता है कि 7% रेट, 8% रेट, तो पूरी दुनिया ऑटोमेटिकली कौन से रेट की बात कर रही है? सर नॉमिनल रेट की। जब तक कोई रियल स्पेसिफिकली ना बोल दे तब तक वो रियल नहीं है, तब तक सब कुछ नॉमिनल है, मतलब नॉमिनल का जो बैंक ने 7% बताया था ना उसमें ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन का इफेक्ट इंक्लूडेड है ना? वो इन्फ्लेशन का कॉम्पोनेंट हटा देंगे ना नॉमिनल में से तो आएगा रियल, इन्फ्लेशन का कंपोनेंट हटा देंगे तो जो रिस्क फ्री रेट आएगा वो होगा रियल रिस्क फ्री रेट। तब प्लीज समझना आपको इन टोटल किसी भी इन्वेस्टमेंट में क्या चाहिए। आप बोलोगे देखो सर सबसे पहले तो रियल रिस्क फ्री रेट चाहिए, है ना, प्लस इन्फ्लेशन की वजह से मेरा जो लॉस हो रहा है सर वो चाहिए, क्योंकि मैंने अगर आपको 100 रुपया दिया और आप एक 5% समझो इन्फ्लेशन बढ़ गया तो आप मुझे 105 दोगे, एक साथ 105 तो आपको देना ही है मिनिमम, जिसमें भी मैंने कुछ कमाया नहीं अगर आप 105 भी दे रहे हो तो कमाने के लिए रियल लिया, पर अपने प्रिंसिपल की वैल्यू मेंटेन करने के लिए इन्फ्लेशन प्रीमियम लिया, और बिना रिस्क लिए भी इतना तो मिनिमम चाहिए ही था, रिस्क लेंगे ना बॉस तो और ऊपर से चाहिए, ठीक है? तो इन दोनों को मिलाकर मैं बोल रहा हूँ नॉमिनल रिस्क फ्री रेट, जिसमें रियल रिस्क फ्री और इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है, और रिस्क लेने के लिए रिस्क प्रीमियम अलग, यहां तक हर कोई 100% सेट होना चाहिए, बता दो बॉस हो क्या यहां तक 100% सेट? बोलूं आगे, है ना सर? एक और चीज, ऐसा भी तो हो सकता है सर कि एग्जामिनर, मतलब मैं आपको कॉम्बिनेशंस बना के बताऊं एग्जामिनर क्या भी कर सकता है। बॉस एक चीज बोलूं, एग्जामिनर हो सकता है हमें सिचुएशन क्रिएट कर दे कि एग्जामिनर बोले कि यार एक रिस्की फैश फ्लो है, रिस्की कैश फ्लो है, लेकिन उस कैश फ्लो में से हमने इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं हटा, हमने इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं लिया, इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटाने के बाद रियल टर्म्स में कैश फ्लो कितना है वो दे दिया है, राइट? अब रियल टर्म्स में अगर कोई कैश फ्लो एग्जामिनर ने दे दिया है और कैश फ्लो रिस्की है, ठीक है, तो उसमें जो रेट अप्लाई करेंगे ना हम लोग, उसमें जो रेट अप्लाई करेंगे वो होगा रियल रिस्क फ्री प्लस रिस्क प्रीमियम एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन, मतलब सिर्फ इतना इतना, मतलब ये जो रेट होगा ना ये रेट होगा रियल रेट टू, एक सेकेंड ना, डिस्काउंट रिस्की कैश फ्लोज, सर क्या लिख दिया हमें समझ नहीं आया, देखो मैं बताता हूं, क्या आप सब इस बात से अग्री कर रहे हो? इस बात से अग्री कर रहे हो कि सर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का ही यूज किया जाता है डिस्काउंटिंग के लिए?
इक्विटी वैल्यूएशन में वो जो के यूज करते हो नीचे, वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। फिक्स्ड इनकम के चैप्टर में जो नीचे YTM यूज करते हो, वो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है ना। तो जितना रिटर्न आपका रिक्वायर्ड है, उसको डिस्काउंटिंग रेट की तरह यूज करते हो आप। तो सर, डिस्काउंटिंग रेट की तरह यूज करोगे ना, तो एक बेसिक चीज आप जान लो, जैसा कैश फ्लो वैसा रेट। प्लीज ध्यान से सुनना है बातें, है ना, बेसिक्स में कोई मिस्टेक फ्यूचर में कभी नहीं होना चाहिए। और इस पे और भी और डिटेल्स दूंगा, है ना। आगे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बाद, वो कैश फ्लो के ऊपर ही है, ठीक है। जैसा कैश फ्लो वैसा रेट। रिस्की कैश फ्लो तो रिस्की रेट, नॉमिनल कैश फ्लो तो नॉमिनल रेट, रियल कैश फ्लो तो रियल रेट। क्लैरिटी है? जैसे किसी ने बोला कि सर, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड से 1 साल बाद 1,000 रुपया रिसीव करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड पे 1 साल बाद 1,000 रुपया रिसीव करेंगे। हमने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड मतलब रिस्क फ्री वाली बात, ठीक है। 1 साल बाद 1,000 रिसीव करेंगे। मैंने बताया ना, रियल वर्ल्ड में सब कुछ अपने आप क्या चलता है, नॉमिनल। तो 1,000 रुपया अगर नॉमिनल कैश फ्लो है, तो उसको रेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या होगा, नॉमिनल रिस्क फ्री रेट, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड था। समझा पाया क्या? जैसा कैश फ्लो वैसा रेट। पीपल प्लीज बोलो, वेट कर रहा हूं आपका। हेलो 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 हेलो, प्लीज जागो यार। शुभम, कॉन्सेप्ट है जैसा कैश फ्लो वैसा रेट, है ना। देखो, रिक्वायर्ड रेट तो पता है सर, डिस्काउंट करेंगे तो डिस्काउंट किसको किया जाता है, कैश फ्लो को। तो जैसे नेचर का कैश फ्लो ना, उससे वैसे रेट से डिस्काउंट करना है। अगर कैश फ्लो का नेचर है सर रिस्क फ्री, मतलब आपको रिस्क प्रीमियम तो लेना ही नहीं उस रेट में। कितना लेना है? सिर्फ इतना हिस्सा। अब कैश फ्लो अगर नॉमिनल है तो नॉमिनल रेट लेना, और अगर कैश फ्लो रियल है तो रियल रेट लेना, ठीक है। सर, इन्फ्लेशन कौन सी रेट में इंक्लूड होता है, रियल या नॉमिनल? भाई, नॉमिनल इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, इन्फ्लेशन एंड रिस्क फ्री रेट। नॉमिनल इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, इन्फ्लेशन एंड रिस्क फ्री। निलेश, ठीक है। रिया, मैं आपके भी क्वेश्चन का आंसर देता हूं, है ना। अभी बस बस एक बार और कंप्लीट करने दो। मैंने आपको गवर्नमेंट ऑफ बॉन्ड का बताया। अब एग्जामिनर बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, हमें एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में हमने इन्वेस्ट किया, प्रोजेक्ट में रिस्क भी है बॉस, और प्रोजेक्ट हमें 2 साल बाद 2,000 रुपए देगा, बताओ आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी। तो हमने बोला, पहली बात तो प्रोजेक्ट 2 साल बाद 2,000 देगा। अब डू यू अग्री, 2 साल बाद तो इन्फ्लेशन बढ़ चुका होगा। अब 2 साल बाद जब 2,000 मिलेंगे, तो हमारा तो इन्फ्लेशन लॉस होके ही मिलेंगे। मतलब रियल वर्ल्ड में अपने आप नॉमिनल एग्जिस्ट करता है। तो उसने ऐसा बोला कि 2,000 दूंगा और इन्फ्लेशन अलग से दूंगा, नहीं, वो तो टोटल 2,000 दे देगा, करेक्ट। अब उसमें रिस्क भी है, तो डू यू अग्री, आप नॉमिनल रिस्क फ्री तो लोगे ही, उसके ऊपर से रिस्क प्रीमियम भी लोगे, टोटल आपका डिस्काउंटिंग रेट ये बन जाएगा। सेटल डू। थर्ड सिचुएशन पे आ सकता हूं? यस नो बोल दो यार एक बार प्लीज। देखो, ये कुछ बेसिक्स है ना, इसे बार बार मुझे वैलिडेट करना पड़ेगा चैट में, क्योंकि मैं आगे बढ़ गया और आप कहीं रह गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। थर्ड सिचुएशन, थर्ड है ना, थोड़ा स्पीड अप करते हैं वापस, क्योंकि बेसिक्स पे कर लिया था, दिमाग लगा लिया था। थर्ड, सर एग्जामिनर बोल रहा है कि हमको 2 साल बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड से 2,000 रुपए मिलेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड से 2,000 मिलेंगे, है ना। लेकिन हमें ये भी पता है कि मार्केट में 5% का इन्फ्लेशन है, तो हमने क्या करा, इस 2,000 रुपए में से 5% का इफेक्ट अलग हटा दिया, इन्फ्लेशन का इफेक्ट अलग हटा दिया, तो 2,000 डिवाइड बाय 1.05 करो ना एक बार। एक सेकेंड, हाँ एक बार तो इंटरनेट ऑफ करते हैं, सो दैट हमें एड्स नहीं देखना पड़े। 2,000 डिवाइड बाय 1.0, वेट, 2,000 डिवाइड बाय 1.05, 1904, है ना। मतलब हमने, एवरीवन, इन्फ्लेशन हमें पता है कि सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमाउंट से 2,000 मिलेंगे 1 साल बाद, लेकिन अगर आज के इन्फ्लेशन के टर्म्स में देखे, सिर्फ इन्फ्लेशन का इफेक्ट अगर हम अलग हटा देना, तो उस दिन के 2000 अदर देन इन्फ्लेशन का इफेक्ट 1904.76 के बराबर होंगे। मतलब डू यू अग्री दैट, मिला तो दो है लेकिन मान रहे 1904 क्योंकि इन्फ्लेशन का इफेक्ट सर अलग हटाया है, करेक्ट। मतलब डू यू अग्री, ये कैश फ्लो में इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं है, मतलब अभी रियल कैश फ्लो बना है, रियल बचा है, और रियल कैश फ्लो के डिस्काउंटिंग रियल रेट से होगी, और अगर कैश फ्लो रिस्क फ्री है तो इस रेट से डिस्काउंट कर देना, रियल रिस्क फ्री रेट, और अगर कैश फ्लो रिस्की है, रिस्की, तो
रियल रिस्क की रेट से डिस्काउंट कर देना बॉक्स से। समझा पाया कि थोड़ा और वापस बताना पड़ेगा? नीलेश आपको दे रहा हूं मैं, रुको बता रहा हूं वापस, एक मिनट आपको बताता हूं। बाकी लोग एक बार यस नो बोलो ना। अगर 1904 रिस्क फ्री है ना तो रियल रिस्क फ्री से कर देना, क्योंकि इन्फ्लेशन तो है ही नहीं, तो भाई साहब इसको तो आप ला ही नहीं सकते हो पिक्चर में, ठीक है। और अगर 1904 समझो एक प्रोजेक्ट था, जिस प्रोजेक्ट में उनने बोला कि यार आपको 2000 मिलेंगे है ना, लेकिन वो इन्फ्लेशन के साथ मिलेंगे, तो हमने इन्फ्लेशन हटाने के बाद ही आपको बताते हैं कि कितने मिलेंगे, इन्फ्लेशन का इफेक्ट अलग हटा देते हैं। आज की टर्म्स के हिसाब से, आज में जो मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, आज जो चीजों के भाव चल रहे हैं, उस हिसाब से हमें 1904 मिलेंगे। तो हमने कहा यार इन्होंने इन्फ्लेशन का इफेक्ट तो लिया ही नहीं, बिना इन्फ्लेशन के इतने मिल रहे हैं, मतलब हमारा रिक्वायर्ड भी क्या होना चाहिए विदाउट इन्फ्लेशन। तो हमने कहा देखो रियल लेंगे, इन्फ्लेशन नहीं लेंगे, लेकिन रिस्क तो है ना प्रोजेक्ट में, तो रियल रिस्क फ्री ले लेते हैं, रियल रिस्क ही ले लेते हैं, रियल रिस्क की रेट। सोविक और ऊपर कौन है, एक और निलेश, सोविक और निलेश, एक बार मुझसे क्वेश्चन पूछा ना तो मुझे पता चल जाएगा कि इस डायरेक्शन में मैं आपको बताऊं, है ना। पूरा बताना डिफिकल्ट है, बता भी सकता हूं पूरा, लेकिन आपको कितना जानना है वो मुझे बता दो। शुभम बोल रहे हैं रेज हैंड करा लीजिए, आप हैंड रेज कर सकते हो। निलेश हैंड रेज का ऑप्शन आ रहा है आपको, या फिर शौविक हैंड रेज का ऑप्शन आ रहा है दोस्त? एक मिनट वेट करो। हाँ गाइस, ओके ठीक है, निलेश का क्वेश्चन आ गया है ना। बाकी लोग 2 मिनट का पेशेंस रखना, 2 मिनट में डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आज बेसिक्स बिल्ड करने का रीजन यही है ताकि हमें बाद में टाइम स्पेंड ना करना पड़े, ठीक है। ध्यान से सुनना निलेश भाई, अभी समझो मेरा एक कंपनी है, मेरा कंपनी क्या करता है, बेचता है सोप। सोप समझते हो ना, एक सोप हम 10 रुपए में बेचते हैं, ठीक है, और ऐसे हमने 100 सोप इस साल बेचे हैं, तो हमने बोला इस बार 1000 का रेवेन्यू, समझो कोई कॉस्ट नहीं, सोप हम जादू से बनाते हैं, पूरा 1000 का प्रॉफिट, कोई कॉस्ट नहीं, जादू से बनाते हैं सोप। सर एक साल बाद हम 120 सोप बेचना एक्सपेक्टेड है, 120 सोप बेचना एक्सपेक्टेड है निलेश, ठीक है, लेकिन प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस 11 12 कुछ भी हो सकता है, इन्फ्लेशन को ध्यान रखते हुए प्राइस, सोप का प्राइस 10 की जगह 11 12 कुछ भी हो सकता है। तो हमने कहा चलो जो इन्फ्लेशन के साथ जो होगा वो होगा, अभी की टर्म्स में हम प्राइस खुद से नहीं बढ़ाएंगे, जो भी बढ़ेगा इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ेगा, मतलब अभी के इन्फ्लेशन की टर्म्स में कहना ही से कि 10 रुपए का प्राइस तो रहेगा। अब डू यू अग्री, ये जो 1200 का कैश फ्लो, इसमें अभी इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं आया, हमने आज के प्राइसेस के बेसिस पे ही 1200 का कैश फ्लो एस्टिमेट किया है। यस नो शौविक और निलेश, स्पेसिफिकली आप लोगों से क्वेश्चन, यस, और बाकी लोग भी आई थिंक रिलेट कर ही गए होंगे अभी तक तो। शौविक यस, निलेश आंसर दो भाईजान, ओके, अदर्स रिलेट कर पा रहे हो ना, क्या एग्जांपल दिया, मतलब डू यू अग्री, ये 1200 सर कैश फ्लो तो मिल रहा है, लेकिन इसमें इन्फ्लेशन आपने बढ़ा के नहीं बोला सर, बिना इन्फ्लेशन के आप बोल रहे हो 1200 मिलेगा, मतलब एक्चुअल में तो 1200 प्लस समथिंग और ही मिलेगा इन्फ्लेशन की वजह से, मतलब डू यू अग्री ये 1200 विदाउट इन्फ्लेशन है, मतलब ये 1200 रियल कैश फ्लो है। एक साल बाद निलेश इन्फ्लेशन तो आ ही जाएगा, लेकिन आज मैं एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि यार बिना इन्फ्लेशन भी मुझे मिनिमम कितना मिलेगा 1200। एक्चुअल में तो आपकी बात मानी गई, एक्चुअल में तो आपको 1300-1400 जो भी मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन इन्फ्लेशन की वजह से जो भी सेलिंग प्राइस है, बट आज के इन्फ्लेशन के टर्म्स में भी आपको 1200 तो मिनिमम मिलेगा ही। तो आपने बोला है कैश फ्लो रियल है ना, तो रियल कैश फ्लो की डिस्काउंटिंग रियल रेट से होना चाहिए, लेकिन प्रोजेक्ट में रिस्क है तो रिस्क ही रियल रेट से होना चाहिए, इससे ज्यादा तो भाई बहुत मुश्किल है बताना। क्लियर है अभी पक्का? बाकी लोग चले आगे, everyone please shall we go ahead now requesting a response please, okay fine। to nominal risk free rate ka use kya hoga, to discount, wait blue mein hi jaan dete hain, naam to likh hi liya hai humne,
टू डिस्काउंट नॉमिनल रिस्क फ्री कैश फ्लोज. ठीक है, परफेक्ट सर. मैं सोच रहा हूं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर आएंगे, उससे पहले इससे ही रिलेटेड एक डिस्कशन समझ लेके, क्योंकि एक सेंस में तो वो डिस्कशन कर ही लिया मैंने, है ना. अंशिका, ब्रेक की नीड लग रही है क्या? बाकी लोग? अंशिका मेरी बात सुनो, 15 मिनट्स और स्ट्रेच कर लो. ठीक है, 8:30 अपन टाइम रखेंगे ब्रेक लेने का. ठीक है सर. अंशिका रिदम है, थोड़ा एडजस्ट कर लो. ठीक है, 8:30 अपन ब्रेक लेने का टाइम रखेंगे और आ जाओ फटाफट. आपको अभी तो आपको अंशिका पता भी नहीं चलेगा कहाँ टाइम गया. क्यों? क्योंकि आगे जो आप पढ़ रहे हो ना, वो वही बात है सर. जैसे रेट होता है ना रियल और नॉमिनल, कैश फ्लो भी तो होता है रियल नॉमिनल, और इसीलिए तो बोला था जैसा कैश फ्लो वैसा रेट. ठीक है, मैंने क्या बोला, आज हमको कोई बैंक, जैसे नॉमिनल क्या होता है, ये फ्यूचर के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का अमाउंट है. मतलब कंपनी बोली हम एक साल बाद 1,000 रुपया देंगे, हम एक साल बाद 100 रुपए की सैलरी देंगे, हम एक साल बाद 300 रुपए का रेंट देंगे, एक साल बाद 6 लाख का रेवेन्यू रिसीव करेंगे. तो भाई एक साल बाद जब वो रिसीव करेंगे तो एक साल बाद इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा. वो नॉमिनल कैश फ्लोज की बात कर रहे हैं, मतलब इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट इंक्लूडेड होता है नेचुरली. ठीक है, दूसरा होता है सर एवरीवन रियल कैश फ्लोज. रियल कैश फ्लो मतलब, रियल कैश फ्लो मतलब वो कैश फ्लो जिसमें हम इन्फ्लेशन एलिमिनेट करके बताते हैं कि कैश फ्लो की वैल्यू कितनी. जैसे अभी वो सोप वाला एग्जांपल दिया था ना, इन्फ्लेशन कंसिडर किए बिना बताया कि इतना कैश फ्लो मिलेगा. तो भाई साहब नॉमिनल और रियल के बीच का रिलेशनशिप जान लो, क्योंकि ये रिलेशनशिप आगे हमें काम आएगा. क्वेश्चन याद दिलाऊं? याद है क्या, जो लोग पहले SFM पढ़ चुके हैं, हमारे पास वो एक फॉरेक्स में इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्वेश्चन आता है, वो अफ्रीकन रैंड्स वाला. हेलो, वो नेपलीज करेंसी अफ्रीकन रैंड्स वाला क्वेश्चन है. देखा है आप लोगों ने बाय चांस? कितनों को याद आ गया? आया याद है ना? याद नहीं आया तो लोड मत लो, अपने पास आ जाएगा बुक में. लेकिन ये रिलेशनशिप जान लो सर. रिलेशनशिप इतना होता है कि नॉमिनल कैश फ्लो is equals to what? Is equals to what? जो भी आपके रियल कैश फ्लो है into 1+ inflation का इफेक्ट. अब बताना नहीं चाह रहा हूं, कॉमन सेंस समझना. इस फॉर्मुले को भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करूंगा ऊपर आके. ठीक है, लेकिन कॉमन सेंस फील कर लिए क्या कि सर जब 100 रुपए हमें लगता है एक साल बाद रियल टर्म्स में मिलेगा, और एक साल बाद सर इन्फ्लेशन अगर 10% है, तो डोंट यू ऑल थिंक कि इफेक्टिवली हमें जो टोटल मिलेगा एक साल बाद वो 110 होगा? या फिर अदरवाइज सोच लो कि सर एक साल बाद जब 110 मिलेगा, तो भाई साहब 110 जो मिल रहा है ना, उसमें 10% तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है. मतलब 110 को डिवाइड करना 1.1 से, तो पता चल जाएगा कि एक साल में जो इन्फ्लेशन बढ़ गया है, उस बढ़े हुए इन्फ्लेशन का अगर इफेक्ट मैं एलिमिनेट कर दूं, तो आज की टर्म्स में एक साल बाद कितना रुपया मिलेगा, आज के इन्फ्लेशन की टर्म्स में एक साल बाद 100 रुपया. ठीक है, ये है रिलेशनशिप बिटवीन नॉमिनल कैश फ्लो, रियल कैश फ्लो और 1+ इन्फ्लेशन का इफेक्ट. लेकिन यहां पे मैं अभी कुछ और चीजें ऐड करना चाह रहा हूं. इन्फ्लेशन किसमें सर? परसेंटेज टर्म्स में. अब एक बात बताओ, अगर एक साल का कैश फ्लो है तो ठीक है, एक साल का कैश फ्लो है तो ठीक है सर. ये हो सकता है ना, हम 2 साल के बाद के कैश फ्लो की बात कर रहे हो. मतलब डू यू अग्री 2 साल के इन्फ्लेशन का इफेक्ट देना है? पीपल प्लीज. और 2 साल के इन्फ्लेशन का इफेक्ट दोगे तो मेरे दोस्त 2 की पावर 2 नहीं करोगे क्या? एक साल 10% था, 2 साल में 1.1 का इफेक्ट, कंपाउंडिंग इफेक्ट. एवरीवन प्लीज. और ऐसे करके उस साल का नॉमिनल कैश फ्लो आएगा. बताओ बॉस, एवरीवन प्लीज, यहां तक सेट हो गया तो ही मैं आगे जा सकता हूं. एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड कर दो तो मजा आ जाएगा. रिया सेट, अमित, गौरव, ध्रुव, शुभम, अभिषेक, नरेश, चंद्रम, क्लास में कोई ये क्या जो सोच रहा है सर बोर हो गए बेसिक पढ़ते पढ़ते? ये सब तो पहले से ही आता है. मनीषा सेट. हाँ ठीक है,
और मैं बोला ना, अगर किसी को आता भी तो बहुत अच्छी बात है बॉस, इसका मतलब है कि आपने जहां भी पहले पढ़ा है ना, आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं। शुभम आता था, रिविजन हो गया, मोर देन हैप्पी, शानदार। ठीक है, अब सर 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 आपको पता है क्या, कैश फ्लोस को जैसे रियल नॉमिनल में कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही किसी रेट को भी रियल नॉमिनल में कन्वर्ट किया जा सकता है। मैंने आपको नहीं बोला, मैंने आपको नहीं कहा क्या कि भाई साहब नॉमिनल में रियल और इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होते हैं, है ना, वह रेट में भी अप्लाई करता है। यहां मैंने जेनरिक सेंस में बोल दिया, कैश फ्लो में देखो अप्लाई कर दिया, नॉमिनल में रियल और इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होता है। ठीक है, यहां देख लो रेट में कैसे इंक्लूडेड होता है। हम बोलते हैं सर वो एडिटिव मैनर में नहीं होता, ऐसा नहीं बोलते हैं कि सर इन्फ्लेशन रेट ऐसा ऐसा नहीं होता है सर कि रियल रेट 8% है, इन्फ्लेशन सर 3% है तो नॉमिनल रेट 11% हो जाएगा। नहीं, एडिटिव मैनर में थोड़ी होता है, मल्टीप्लिकेटिव मैनर में होता है। मल्टीप्लिकेटिव मैनर में होता है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया सर अगर 1+ रियल रेट जो भी है ना, उसमें 1+ इन्फ्लेशन का इफेक्ट इंक्लूड करेंगे ना एवरीवन, तो आएगा, एक सेकेंड ना, लिखने की जगह तो चली गई हमारे पास से, तो आएगा 1+ नॉमिनल रेट। ठीक है, तो मतलब सर अगर जैसे रियल 10 है, ठीक है, तो हम बोलेंगे 1.1, अगर इन्फ्लेशन 5% है तो हम बोलेंगे 1.05, और ये दोनों मिलाकर 1+ नॉमिनल बनेंगे। बॉस समझा पाया क्या कि कैसे कैश फ्लोस, देखो कैसे कैश फ्लोस और कैसे डिस्काउंटिंग रेट, इनको नॉमिनल से रियल और रियल से नॉमिनल करते हैं। बताओ प्लीज, बता पाया? और उससे ज्यादा खुशी पता है कब होगी मुझे, रुको रुको रुको, आंसर मत दो, रुको रुको, उससे ज्यादा खुशी पता है कब होगी, आप मुझे ये बता दो कि सर इनका यूज क्या करेंगे, इनका यूज क्या करेंगे बता दो, बताओ। हाँ जी, सोच रहे हो कि सो गए, क्या सीन है? सौविक डिस्काउंटिंग के लिए, रिया डिस्काउंटिंग के लिए, शुभम पीवी निकालने के लिए, जैसा कैश फ्लो वैसा रेट, चंद्रम शानदार, अंशिका पीवी ऑफ कैश फ्लो के लिए, रेट ऑफ रिटर्न के लिए, गौरव रेट ऑफ रिटर्न की तो कोई बात नहीं है भाई इधर। शुभम बोल रहा है सर दिमाग नहीं चल रहा है, टी ब्रेक दे दो फिर ही आंसर देंगे, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें या नहीं। सही बात है, तो देखो जो लोग डिस्काउंटिंग बोल रहे हैं, पीवी बोल रहे हैं, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें या नहीं करें, वो सब लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि सर बोला ना जैसा कैश फ्लो वैसा रेट, तो भाई साहब अगर कैश फ्लो ये है और रेट ये है तो क्या करें, इसका इफेक्ट देके नॉमिनल कर देंगे, हो गए दोनों सेम। सिमिलरली कैश फ्लो ये दिया है बॉस, रेट ये दे दिया है बॉस, क्या करें, इन्फ्लेशन 1+ इन्फ्लेशन से डिवाइड कर देना, रियल कैलकुलेट कर दो, दोनों हो जाएंगे सेम, हो गए सेम। और यही तो बेसिक बातें जो पूरे SFM में हम अप्लाई करेंगे और इंश्योर करेंगे बॉस गलती की मिस्टेक, गलती का स्कोप कहीं रहे ही ना। ठीक है, अब आ जाओ, जो बोला है ना उसका इलस्ट्रेशन कर ले एक बार, जो इलस्ट्रेशन करा फिर आपको ब्रेक ज्यादा मिलेगा, इलस्ट्रेशन करके जाएंगे तो ब्रेक ज्यादा मिलेगा सर, पूरे 1 मिनट से, पहले मैं 14 मिनट्स के ब्रेक का सोच रहा था, लेकिन इलस्ट्रेशन करके जा रहे हो इसलिए 15 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, सुनो सर, इलस्ट्रेशन पढ़ ले। सिप्ला हैज फोरकास्टेड कैश इनफ्लो ऑफ 100 करोड़ टू बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सिप्ला बोल रहा है 2 साल बाद 100 करोड़ रुपया मुझे मिलने वाला है। ठीक है, रियल डिस्काउंटिंग रेट 10% है, मतलब सुनो सुनो इसका कॉन्टेक्स्ट सुन लो तो मजा आ जाएगा। सिप्ला को जहां से भी पैसा मिलने वाला है वहां रिस्क होगी कि नहीं बॉस? होगी, मतलब रिस्क लेने के बाद इन्फ्लेशन को छोड़ के, सुनना पूरी बात, अदर देन इन्फ्लेशन जो सिप्ला को रिटर्न चाहिए वो 10% चाहिए। अगर सिप्ला बोल रहा है कि अगर इन्फ्लेशन इकोनॉमी में 0 है ना तो मुझे 10 चाहिए, लेकिन इंडिया में इन्फ्लेशन कितना निकल गया, 5%, तो सिप्ला को टोटल अब जो चाहिएगा, 15 मत बोल देना, जिसने 15 बोला ना घर पे आ जाऊंगा उसके, क्या बोला, 15 मत बोल देना, इसके साथ इफेक्ट देना सीखेंगे अब। ठीक है, ऐसा करेंगे हम, बोले
10% और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन 5 है, बोल रहे पीवी निकालो। मैं बोल रहा हूँ दोनों मेथड से करके देख लेते ना यार, मतलब आज के बाद इस चीज से रिलेटेड लाइफ में कोई डाउट रहेगा ही नहीं, करके देख ले दोनों। अब ध्यान से सुनना सर, नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट की मदद से अगर कोई चीज कैलकुलेट करना है तो कैन आई से कैश फ्लो भी नॉमिनल होना चाहिए। अगर किसी ने बोला कि सिप्ला से 2 साल बाद 100 करोड़ मिलेंगे, मतलब वो 2 साल के बाद की टर्म्स में ही बोल रहा है, क्योंकि नेचुरली नॉर्मली सब कुछ नॉमिनल एग्जिस्ट करता है, करेक्ट। तो हमने कहा सबसे पहले तो नॉमिनल रेट फाइंड कर लेना है। हमने कहा नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट कितना हो गया, फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं ना, तो 1.1 इंटू 1.05। कैन आई से इसमें से मैं 1 माइनस कर सकता हूं, क्योंकि 1 प्लस नॉमिनल रेट ये सब कुछ था ना, तो नॉमिनल रेट क्या हो गया, नॉमिनल रेट क्या हो गया सर, ये सब कुछ माइनस ये वाला 1, करेक्ट। तो आ जाओ आ जाओ सर, 1.1 इंटू 1 पॉइंट कहाँ गया, 1.05 इज इक्वल्स टू माइनस 1, 15.5%। बहुत ही शानदार विकी, ये 74.96 वो बताया कि आपने कैश फ्लो है ना, 15.5% का रेट है नॉमिनल। अब डिस्काउंटिंग करें है ना, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है सर, 200 करोड़ का कैश फ्लो डिवाइड बाय, बेसिक कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग बता रहा हूं, 1.155 टू दी पावर 2। अभी पीवीएफ भी सिखाया नहीं है, ब्रेक के बाद सीख लेंगे, लेकिन एक बार बेसिक जान तो लो, मतलब बेसिक तो पता ही ना, इतना तो पता ही है। कैश फ्लो कितना है, 100 करोड़। माय बैड माय बैड माय बैड, मैं गलती से आई थिंक पूरे टाइम 200 200 ही बोले जा रहा था। चंद्रम सॉरी चंद्रम, वो चेंज कर लो ना, आपका भी, आपने भी मेरे भरोसे 200 लेकर आंसर कर दिया। 100 डिवाइड बाय 1.155 इक्वल्स टू 74.96। 74.96 पे अप्रूवल है क्या सभी का? कुछ लोगों के रिप्लाई नहीं आ रहे, मुझे मन में डाउट आ रहा है कि ऐसा तो नहीं आपने मेरे बिना ब्रेक ले लिया खुद से। अरे गौरव, सौविक, अमित, अभिषेक, कुणाल, अंशिका, ब्रेक तो नहीं ले लिया खुद से? ठीक है, सॉल्व कर रहे हो, आराम से करो। 74.96 पे आ जाओ तो मुझे बता दो, हम आगे चल रहे हैं। 1 मिनट और लगेगा। मनीषा यही हूं, बढ़िया आ गए सर। रियल डिस्काउंटिंग रेट से करना है, लेकिन डू यू अग्री, अगर रेट रियल होगा तो फिर इस बार पहले कैश फ्लो भी रियल कैलकुलेट करेंगे, है ना? रेड अच्छा नहीं है, रेड अच्छा नहीं है सर। इस बार कैश फ्लो भी रियल होगा, तो रियल कैश फ्लो में बोल सकता हूँ क्या सर, जो भी नॉमिनल कैश फ्लो है उसको 1 प्लस इन्फ्लेशन से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? चलो करके बताओ। अब एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, अभी हम इसको सॉल्व नहीं करते हैं, ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है? वैसे भी अभी 1 मिनट बचा है, ठीक है? तो आप खुद से एक बार एफर्ट लगाना इसको सॉल्व करने की, और देखना आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको फाइनली क्या कैलकुलेट करना है, पीवी कैलकुलेट करके लाना है, ठीक है? और रेट ऑफ डिस्काउंटिंग कौन सा यूज करोगे, रियल, तो उसके लिए पहले कैश फ्लो भी कौन सा होगा, रियल। डज दैट मेक सेंस? आ रहे हो ब्रेक के बाद, पीपल प्लीज विद आंसर्स बताओ। ठीक है, कूल, सो सुपर अमेजिंग, 8:30 हो रहा है, बहुत ही शानदार, आप में से सब लोग एक्टिव बने रहे, मजा आ गया मेरे को। हम 8:45 वापस मिलते हैं, ठीक है? 8:45 वापस मिलके फिर यहां से डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। सौविक, ऑफिस कब है? मतलब अपना जो प्लान है वो है कि 10 बजे तक तो क्लास रखना ही पड़ेगी हमें रोज। ऑफिस के लिए कब जाते हो सौविक? चलिए अदर्स यू कैन लीव, जिनको जाना है प्लीज जा सकता है, 8:45 वापस आइएगा।
9 o'clock का शेड्यूल था। कहां पे शुभम? अच्छा9:45 तक ले लो। ओके ओके ओके। दिनेश पूछ रहे हैं पूरे वीक क्लास क्यों नहीं है। ठीक है, सॉविक 9:45। तो चलो अपन मिलके प्लान करते हैं, समझते हैं। डोंट वरी, टाइम एडजस्ट करना हमारे हाथ में होगा। ऐसा कुछ करेंगे जो सबके लिए बेनिफिशियल रहे। ठीक है अंशिका, स्पेशल क्लास यू मीन द फ्री वन? नहीं, अरे नहीं, ये तो सिर्फ फर्स्ट क्लास या फिर एट मैक्स फर्स्ट टू क्लासेस रहेगी स्पेशल। आफ्टर दैट एवरीथिंग विल बी पेड। ठीक है जी, बढ़िया। रिकॉर्डेड देख सकते हो मनीषा बाद में 100%। ठीक है, ये जो लाइव है ना यही रिकॉर्ड भी हो रहा है। बट सजेशन क्या है, लाइव आना, आके आपको मजा आएगा। आपने देख ही लिया अपनी क्लास का वाइब कैसा आ रहा है। ठीक है, तो लाइव के अलग मजे हैं। टाइमिंग शुभम मैक्सिमम 10। ठीक है, निलेश मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, कमिट नहीं कर रहा हूं, ट्राई करूंगा पूरे वीक का। चलो और कोई है कि मैं भी ब्रेक ले सकता हूं 2 मिनट का? सौविक एक्चुअल में क्या हुआ, वो डेट एक्सटेंड हो गई। दर्श रिकॉर्डेड भी मिलेगा, 9 के बाद दिक्कत हो जाएगी। ओके, फिगर आउट करते हैं। रुको सौविक, वो एक्चुअल में 24 दिखा रहा है, लाइव आज से स्टार्ट हो गया 19th। निलेश 24 से बता रहा है। अग्रीड, आई विल टॉक टू टीम। एक्चुअल में क्या होता है, वो रजिस्ट्रेशन डेट डिले होता जाता है, बट दैट डज नॉट मीन के बैच स्टार्ट नहीं हुआ है। मोहम्मद, आई विल ट्राई। ठीक है, कांट कमिट, आई विल ट्राई। रात का तो पक्का नहीं होगा शुमन, ये बात तो फिक्स है। यस कुणाल, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। चलो अब एक चीज करो, सुनो, दर्श ये क्या बोल रहे हो, परचेज वालों को भी नहीं? आपका पुराना क्वेश्चन क्या था शुभम? रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ना, रिकॉर्डिंग तो मिलेगी शुभम। ठीक है, लाइव जो अटेंड हो रहा है ना इसी का भी रिकॉर्डेड भी हो रहा है। ठीक है, तो आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, आप अपनी कन्वीनियंस से हमेशा वो चीज देख सकते हो। और ऐसा भी नहीं रिकॉर्डिंग के लिए वेट करना है, ये लाइव खत्म होगा 1 घंटे में रिकॉर्डिंग्स आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी आराम से। वो 1 घंटे का रिकॉर्डिंग जो किसी का मिस हो रहा है तो वो देख सकता है। भरत, फ्रेशर की तरह ज्वाइन कर सकते हो क्या? यार भरत, आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो मुझे कह रहे हैं कि सर हम फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, कर ले क्या? मतलब वो चाह रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के रेगुलर की जगह हम क्या करें, यही वाला फास्ट ट्रैक ज्वाइन कर लें। एक काम करते हैं भरत, आप अभी सुबह से लेक्चर अटेंड कर रहे हो क्या? आपने सुबह से अभी तक अटेंड किया भरत? नहीं, अभी नींद खुली लगता है ना? ओके तो एक तो चीज करो भरत, अभी आप लेक्चर अटेंड करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, लेक्चर अभी अभी तो देखना स्टार्ट कर दो, ये फ्री चल रहा है। ठीक है, एंड देन यू कैन गेट इन टच विद मी, आई विल गाइड यू व्हाट कैन बी डू ऑन दिस। मेक सेंस भरत? यस अमित, ओ नवंबर 23 है तो भरत फिर तो रेगुलर करोगे कैसे? फिर तो कंपलसरी आपको तो अटेंड करना, टाइम ही नहीं है आपके पास तो रेगुलर का।
बैच अपना वैसे बहुत डिटेल्ड है, बट कहीं ना कहीं एक लाइन ऑफ डिफरेंस होता है, देखो रेगुलर और कहीं ना कहीं लाइन ऑफ डिफरेंस होता है रेगुलर में और फास्ट ट्रैक में। मैं फास्ट ट्रैक को कितना भी डिटेल बना दूं, रेगुलर में क्या होता है, जब आपके साथ में 200 घंटे स्पेंड करता हूं तो आपको एक कंफर्ट आता है। यहां पे हम सिर्फ 120 घंटा स्पेंड करेंगे। आपकी एडिशनल मेहनत आप करने के लिए रेडी हो तो 100% आप ही बैच ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज फॉर ऑल योर डाउट्स आई एम अवेलेबल। ठीक है भरत, ओनली 60? ठीक है, चलो यार बॉस, अब तो मुझे ब्रेक लेना ही पड़ेगा। लेट्स मीट बैक एट, यस अभिषेक, कूल, आई विल ट्राई। नहीं, अमित अभी नहीं है, तो चलो गाइस, अभी आई एम गोइंग फॉर अ ब्रेक। हम लोग 9:45 पे वापस मिल रहे हैं। बचे हुए क्वेश्चंस आपके फिर आंसर करता हूँ, ठीक है? वेट।
हाँ तो सर जी, सभी लोग वापस आ गए क्या? एवरीवन बैक, मनीषा विद सल्यूशन। क्या बात है कुणाल, आ गए वापस। एवरीवन बैक और नॉट? यार देखो, ब्रेक में पता है यही बुरा लगता है मुझे, ब्रेक में जाते 30 है लेकिन आते 20 ही है वापस। शुभम बैक ध्रुव, यस। खैर ये बात तो है, ब्रेक से पता चल जाता है कि कौन लोग। शौविक कूल 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 कूल, यप। अभिषेक, अंशिका बैक, चलो बैक तो आ गए। कितने लोग प्रेजेंट वैल्यू के कैलकुलेशन के साथ आए हो? फाइनल आंसर चैट पे प्लीज, फाइनल आंसर चैट पे। श्वेता मोहम्मद 74.96, रिया 74.96। अरे 74.96 तो इसका भी आंसर था, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका भी सेम आ रहा है क्या? ओके अमित 78.70, शुभम सेम ही आएगा। रियल कैश फ्लो 90.70 और 74.92। ओके 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 ओके, मनीषा 74.92। अभिषेक आपने क्या बताया, आपका आंसर 74.96। तो देखो सबसे पहले तो एक पॉसिबल मिस्टेक ये थी सर, सबसे पहले तो एक पॉसिबल मिस्टेक ये थी कि सर हो सकता है किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे टू करना मिस कर दिया हो। तो मेरे भाई ये तो फॉर्मूला सोच लो आप, या फिर कॉमन सेंस लगा लो कि अगर 2 साल का इन्फ्लेशन, 2 साल बाद का कैश फ्लो है, तो 2 साल में तो सर 2 साल का इफेक्ट तो आएगा ही ना, दो बार इन्फ्लेशन होगा ना, तो दो बार इन्फ्लेशन का एलिमिनेट इफेक्ट एलिमिनेट करो ना। कर दिया ठीक है, तो कितना आ रहा है सर, 100 करोड़ का कैश फ्लो डिवाइड बाय 1.05 टू द पावर 2। रियल कैश फ्लो बताएगा कोई प्लीज? एक सेकेंड ना, यहाँ फॉर्मूला नहीं, चलो फॉर्मूला लिखा रहे दो, क्या फर्क पड़ता है। रियल कैश फ्लो 90.7, रिया थोड़ा सा आगे तक बताओ ना। 1.05 सॉरी, 100 डिवाइड बाय 1.05 इक्वल्स टू 90.70। अच्छा 90.70 ही आ रहा है आगे तक भी, ठीक है तो हमने बोला 90.70 ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी सर, 90.70 2 साल बाद का कैश फ्लो है रियल टर्म्स में। कोई ये मत सोचना 90.70 कैश फ्लो ही आज का है, भाई साहब फिर डिस्काउंटिंग क्यों कर रहे हो, कैश फ्लो 2 साल के बाद का ही है। लेकिन अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नहीं होता तो 90.70 उसकी वैल्यू होती 2 साल बाद, ठीक है डिवाइड बाय 1+ रेट। अब इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं है तो ऑब्वियसली रेट भी कौन सा लेंगे विदाउट इन्फ्लेशन, स्क्वायर। तो 90.70 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल्स टू 74.96। एवरीवन आंसर आता है 74.96। अपना इंटेंशन पर्पसफुली कंपेरेटिव करने का होता है चीजें, अपने है ना नोट्स में आप बहुत बार ऑब्जर्व करोगे, अपन चीजें पर्पसफुली साथ में चलाते हैं राइट लेफ्ट में, ताकि आपको क्या होगा कि हमेशा इन चीजों का ट्रैक रहेगा कि अच्छा क्या हो रहा है। जब आंसर सेम आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार एक ही चीज को करने के दो दो तरीके हैं, और ये लॉजिकल है कि जो कैश फ्लो वो रेट, ये बात लॉजिकल है, ये भी आपको यहां से जस्टिफाई हो जाती है ठीक है। परफेक्ट सर, इसके साथ आपका नॉमिनल कैश फ्लो, रियल कैश फ्लो और उससे ही जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट, नॉमिनल रिटर्न और रियल रिटर्न का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। आई थिंक बेसिक्स, यस विद एग्जांपल बेटर क्लैरिटी, रिया परफेक्ट, थैंक यू सो मच, है ना ग्रेट। अब सर प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के कैलकुलेशन पे आ जाते हैं एक बार, है ना, आप सब वापस आ जाओ यहाँ पे, कैलकुलेशन में फटाफट आपकी बहुत सारी हेल्प चाहिएगी, कैलकुलेशन में बहुत सारी हेल्प चाहिए, आ जाओ। सर पहले तो इसको कन्वर्ट कर देता हूँ मैं ईयर बोल के, है ना, ये तो आप मान के चलो ये तो आता ही है, बस इसको तो हमें क्या एक जगह लिखना है ताकि एंड टाइम पे जब हम किसी भी मोमेंट पे अटके तो ये नहीं सोचे कि यार इसका फॉर्मूला क्या उसका फॉर्मूला क्या, ठीक है। सर अगले 5 साल तक 200 कैश फ्लो मिलेंगे, रेट ऑफ डिस्काउंट है 10%, डू यू अग्री? डिस्काउंटिंग रेट 10% किसी भी कॉम्बिनेशन से आ सकता है,
ऊपर दिए किसी भी कॉम्बिनेशन से 10% आ सकता है, ठीक है 10% है सर। अगर समझो आज सिंगल सम बोल रहा हूं, पहले सिंगल 200 रुपए की बात कर रहा हूं, 200 रुपए जो आज है उसकी 5 साल के एंड में वैल्यू कितनी, वैल्यू कितनी, तो कैन आई से फ्यूचर वैल्यू इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, ठीक है। कितने साल का सर? 10% के हिसाब से 5 साल का। ये भी लिखना जरूरी है, आपको ये भी समझ में आना चाहिए। कितनी बार हो सकता है एग्जामिनर को हम चीजें ऐसे प्रेजेंट करके दिखाएंगे? एवरीवन रिक्वेस्टिंग अ रिस्पॉन्स, चैट बॉक्स में बता दो यहां तक हो क्या सभी लोग? अच्छा आंसर ही बता रहे हो सीधे, बाकी लोग आ जाओ यार एक सेकेंड फटाफट प्लीज, या तो आंसर दे दो या फिर ये बता दो कि इस फॉर्मूले से अग्रीमेंट है ना। मुझे पता है कैलकुलेशन तो आता ही है, मतलब आना ही चाहिए, बियॉन्ड दैट इस बात को प्रेजेंट करने का तरीका भी आना चाहिए, ठीक है। चलो तो सर प्रेजेंट वैल्यू है 200 रुपया, प्रेजेंट वैल्यू 100 बोला कि 200 बोला मैंने, अब 124 क्यों बोल रहे हो? मैंने गलती से 100 रुपया बोल दिया क्या प्रेजेंट वैल्यू? है ना, अगर मैंने गलती से बोल दिया 100 रुपया प्रेजेंट वैल्यू, तो काइंडली मुझे माफ कर दो, क्योंकि जो बुक में लिखा है उसी के बेसिस पे कंटिन्यू करते हैं ना, ठीक है। तो क्वेश्चन सुनना फिर से, सिंगल सम का क्वेश्चन है, मतलब आज वाले 200 रुपए फर्स्ट ईयर के एंड में जो 200 रुपए है, ठीक है, या फिर 0 पॉइंट पे, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन में क्लैरिटी ला देता हूं, एक सेकेंड रुको। वैल्यू ऑफ ₹200 ऑफ टुडे, ऐसा लिख देते हैं, आज के 200 रुपए की फिफ्थ ईयर के एंड में वैल्यू कितनी है, ठीक है सर। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर का कैलकुलेशन सभी को आना चाहिए, 1.1 to the power 5, ठीक है करके देख लेते हैं। 1.1 into 1 2, सॉरी एक, वेट 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 वेट, इस कैल से मुझे पता एक्चुअल में क्या अपनी आदत कौन सा कैल से यूज करने की, ये वाला, ठीक है। और मुझे ये देखने दो कि इस पे भी सेम आंसर आता है कि 1.1 into 1, सो 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 1.6105 है ना सर। कितने डिजिट्स तक लेना है फैक्टर्स, ठीक है, तो यहाँ लिखवा दूँ क्या एक बार, यहाँ एक बार लिखवा दूँ? ठीक है, ये बात समझ रहे हो क्या? अब यार इंस्टीट्यूट ने क्या करा, 10 जगह अलग अलग कैलकुलेशन करा दिए, 10 जगह तक अलग अलग कैलकुलेशन करा दिए। फिर भी अगर एक मेजोरिटी में ऑब्जर्व करूँ ना, तो मैंने एक चीज देखी, जब भी वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फ्यूचर वैल्यू फैक्टर लेता है, नॉर्मली 3 डिजिट्स तक लेता है, 3 decimal points तक नॉर्मली वो ये चीज लेता है। तो अब सर क्या आप श्योरिटी से कह सकते हो 3 तक ही लेगा? देखो गारंटी तो है ही नहीं आईसीए के केस में, लेकिन एक बात बताऊं, एक जो मेजर ऑब्जर्वेशन वो ये है, तो चांसेस सबसे ज्यादा इस वाले अप्रोच से कि हमारा आंसर उनसे मैच होगा, ठीक है। तो अपना आंसर आता है 1.611 राउंडेड ऑफ बेसिस पे, 1.611 फाइनल आंसर प्लीज, फाइनल आंसर। सो 200 इंटू कैलसी पे वापस किया है मैंने, आपने एक चीज रियलाइज किया, एक चीज रियलाइज किया क्या, कि वो पुराना डिजिट हटा के फिर से लिखा, क्योंकि वो 0.5 वाला था ना, हमें 6.11 से करके दिखाना है एग्जामिनर को, तो आंसर आएगा हमारा 322.2, 322.2। एक एक डिफरेंस फील किया क्या आपने, आपके और मेरे आंसर में क्यों आ रहा है? एवरीवन देखो आपने क्या बोला, 1.1 इंटू आपने क्या करा सर, 1.1 इंटू 1 2 3 4 है ना, आपने इसी में क्या कर दिया, 200 मल्टीप्लाई कर दिया, अग्रीड अग्रीड आपका एग्जैक्ट है। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम एग्जामिनर में इंस्टीट्यूट को ये स्टेप दिखा दी, तो डू यू अग्री फिर इसमें हम फंस जाएंगे, ये स्टेप दिखा दी तो, क्योंकि हम बोल और कुछ रहे हैं और लिख और कुछ रहे हैं, मतलब आंसर कुछ और आ रहा है, कैलसी पे कुछ और चल रहा है, यहाँ कुछ और चल रहा है, ठीक है। तो एक बार के लिए अपन कैल्स यही वाला अप्रोच करते हैं जो इंस्टीट्यूट को दिखाना है, उसी अप्रोच के थ्रू चलते हैं,
और उस अप्रोच के थ्रू आंसर कितना आ रहा है हमारा, 322.2। अब सर ये चीजें क्यों करना पड़ती है, देखो एज अ टीचर मुझे ये सब चीजें बताना नहीं चाहिए, कितना गलत है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ तक राउंडिंग ऑफ करना है, कैसे लिखना है, बट एंड ऑफ द डे मार्क्स के लिए ये सब मेहनत हो रही है ना, ये सब क्लैरिटी हो रही है मार्क्स के लिए। सो 322.2 यार आज क्या हो रहा है, ब्लू पेन दो, 322.2 चलो। हाँ मनीषा एक बार आपका डाउट बोलोगे फिर से, ₹200 की FV क्यों ऐसा नहीं हो सकती, मैं समझा नहीं, करके देख लो ना, ₹200 में 10-10% 5 बार ऐड करो कैलसी पे, ₹200 लो प्लस 10%, प्लस 10% ऐसा 5 बार करो, 322 नहीं आ रहा है क्या, अच्छा मनीषा को लग रहा है कि ये पीवी है, अरे मनीषा एफ फ्यूचर वैल्यू फैक्टर लिखा है, FV कैलकुलेट करना है, फ्यूचर वैल्यू के कॉलम में चल रहे हैं, आपके रिस्पांस का 1 सेकंड वेट करूंगा, हाँ मतलब मनीषा 30 सेकंड्स, फिर आप मुझे बता दो तो मैं पीवी की साइड चला जाऊंगा। गुड मॉर्निंग, हेलो, हैप्पी रियलाइजेशन, ठीक है चलो एवरीवन आ जाओ फटाफट। सर इस बार हमें कैलकुलेट करना है पीवी, कितने रुपए की सर, ₹200 की, तो मैं बोल सकता हूँ कि सर जो भी हमारा FV है उसमें अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% फॉर 5 ईयर्स मल्टीप्लाई कर दिया तो पीवी आ जाएगा। सर ₹200 कि आज वैल्यू कितनी, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियरली नहीं बोला, इंट्यूटिवली समझ जाना ठीक है, ₹200 इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का कैलकुलेशन कोई बता दो क्लास में प्लीज, आता है आप लोगों को, वन डिवाइड बाय 1.1 परफेक्ट टू द ईयर 5 ठीक है, तो ₹200 इनटू सर कैलसी पे इसको हम कैसे करते हैं सर, ऑब्वियसली 1.1 डिवाइड इक्वल्स टू 5 बार 1.1 डिवाइड एक, हाँ एक दो तीन चार पांच, 0.621, 0.621 तो 200 इंटू 0.621 बता दो, 200 इंटू 0.621 124.2, 124.2। अरे रिया अपन ये वाले 322 के FV का नहीं कर रहे हैं अभी, समझो ये वाला जो ₹200 है ना, बहुत सारे अलग अलग ₹200 ना, तो ये वाले ₹200 का हमने पूछा FV कितना, इतना, ये वाला ₹200 है 5 साल के बाद वाला ₹200 का, आज पीवी कितना, इतना, वैल्यू ऑफ 200 ठीक है भारत, डिफरेंस बिटवीन पीवी एंड एफवी, क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर करके पूछो ना, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का डिफरेंस पूछ रहे हो क्या मतलब, यार ये तो बहुत ज्यादा बेसिक पे जाना पड़ेगा इसके लिए, ये तो इंटर का ही नहीं वहां का क्वेश्चन हो गया, तो फाउंडेशन का क्वेश्चन आपने यहां पे पूछ लिया, ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे लेकिन ठीक है। देखो क्या होता है भारत, बहुत सिंपल लाइफ है, आप कब क्या यूज करना होता है, तो फिर एप्लीकेबिलिटी का लोड मत लो, अगर आपको पीवी और एफवी आता है ना तो एप्लीकेबिलिटी का लोड मत लो, हम उस पर आ जाएंगे एप्लीकेबिलिटी पे, एप्लीकेबिलिटी बहुत सिंपल है, जैसे जैसे क्वेश्चंस में आएगी मैं बताते जाऊंगा भारत, इफ यू डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पीवी एंड व्हाट इज एफवी, अगर आपको ये पता है तो एप्लीकेबिलिटी का लोड नहीं है ना, वो तो अपन आ जाएगा परफेक्ट। सर सिंगल सम का फॉर्मूला था, अब आ रहे हो आप एन्युइटी पे, एन्युइटी का मतलब क्या होता है, एन्युइटी का मतलब क्या होता है सर, जब एक बार नहीं बार बार सेम टाइम पीरियड के बाद सेम अमाउंट मिले, हर एक साल के बाद जब ₹200 सेम मिलता चला जाए तो उसको कहते हैं एन्युइटी। एन्युइटी की फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, प्लीज सुनना, वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज एट द एंड ऑफ 5th ईयर अज्यूमिंग
कैश फ्लोज अकर एट द एंड ऑफ द पीरियड 200 फर्स्ट ईयर के एंड में, 200 सेकेंड ईयर के एंड में एंड सो ऑन, अगर 5 साल तक मिले तो इस पॉइंट पे फिफ्थ ईयर के एंड में इन सारे 200 की फ्यूचर वैल्यू क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट तो कर लेंगे, मीनिंग समझ गए कि आप लोग प्लीज ये बता दो, इंटरप्रिटेशन क्लियर है पीपल? कैलकुलेट तो पक्का कर लेंगे। बताइए सर, यस नो? ठीक है, चलो बताओ, सुपर क्विक आंसर होना चाहिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5 कैसे करें? तो सर आंसर तो ऐसा है कि हम बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू ए फॉर एन्युइटी। तो एक काम करता हूं मैं ए एन्युइटी के यहां पे ए लिख देता हूं, ठीक है, थोड़े से बोल्ड में लिखता हूं तो आपको पता भी चलेगा, थोड़ा सा बोल्ड में लिख रहा हूं, ठीक है, तो आपको पता भी चल जाएगा कि ए का मतलब क्या हो गया, ठीक है। एन्युइटी मल्टीप्लाइड बाय, इस बार ध्यान से देखना मैंने वर्ड क्या यूज किया, सब लोग ध्यान से देख लो प्लीज। एन्युइटी मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर वैल्यू, फैक्टर नहीं बोल रहा हूं, देख रहे हो क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी फैक्टर फॉर 10% एट द रेट ऑफ 10% फॉर 5 ईयर्स। आप मीनिंग समझे क्या? एक ऊपर था फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, दूसरा है फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी फैक्टर। ये 1.611 के फ्यूचर वैल्यू फैक्टर का मतलब होता है यहां पे जो 1 रुपया है उसकी यहां वैल्यू कितनी, हमने कहा 1.611 इतनी, ये था फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी फैक्टर का मतलब होता है कि सर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इन पांचों 1-1 रुपए की फिफ्थ ईयर के एंड में वैल्यू कितनी, समझो एग्जाम्पल के लिए हमने बोला 6.5 रुपीज, ये होता है फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी फैक्टर। क्या मैं एन्युइटी फैक्टर्स का मीनिंग बता पाया? एवरीवन प्लीज रिक्वेस्टिंग अ रिस्पांस। ठीक है, तो हमने कहा सर 200 रुपए मल्टीप्लाइड बाय एन्युइटी फैक्टर का कैलकुलेशन सीखना है, जल्दी से बताओ क्लास में कौन बता रहा है एन्युइटी फैक्टर का कैलकुलेशन? देखो रिया बता रहे 5.616, चंद्रम बता रहे 3.79। एन्युइटी फैक्टर का नंबर दे दो फटाफट सब लोग। ओ शौविक बोल रहे हैं 6.716, शुभम बोल रहे हैं 3.79, भरत 3.79, नीलेश 5.616। वाह यार, ऐसा तो नहीं आप सभी के आंसर सही है, ये कोई जादू तो नहीं है जहां पर मल्टीपल आंसर सही हो सकते हैं? ओके ओके ओके, तो आई थिंक कैल्सी पे थोड़ा सा क्लैरिटी लेना पड़ेगा हमें अभी। देखो कैल्सी पे क्लैरिटी होना चाहिए सर, कितना ध्यान से देख लो, कितना हमें क्या करना है सर, ये जो 1-1 रुपए मिल रहे हैं ना अलग अलग पॉइंट पे, एक वन 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 वन, ये सारे 1-1 रुपए की, ये सारे 1-1 रुपयों की कितनी वो वैल्यू है फ्यूचर वैल्यू, वो कैलकुलेट कर रहे हैं। डू यू अग्री? फिफ्थ ईयर के एंड वाला 1 रुपया तो बिल्कुल वही मिला है तो उसकी वैल्यू तो सेम है। हेलो, रिक्वेस्टिंग अ रिस्पॉन्स। फिफ्थ ईयर के एंड वाला तो 1 रुपया वही मिला, उसकी वैल्यू तो सेम है, तो क्या मैं कैलसी पे देखो, और हमें इन सबको ऐड करना है, कॉमन सेंस सुनना, हमें इन सबको ऐड करना है, इन सबको ऐड करना है, तो 1 रुपए को तो भाई साहब ऐसा कैसा एम प्लस में डाल दो, क्योंकि 1 रुपया तो वही के वही है, वो ऐड हो गया एम प्लस में जाके। सर ये वाले 1 रुपए को, ये वाले 1 रुपए को फ्यूचर वैल्यू करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं 1.1 ले रहा हूं। क्यों 1.1 कैलसी पे? सब लोग कैलसी हाथ में रखना, 1.1 ले रहा हूं कैलसी पे सर, क्यों? क्योंकि 10% का रेट है और उसमें 1 मल्टीप्लाई करके इक्वल्स टू कर रहा हूं, तो आंसर आता है 1.1, मतलब आ गया सर 1 रुपए की, ये जो 1 रुपए यहां पे है फोर्थ ईयर के एंड में, इसकी फिफ्थ ईयर के एंड में वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 1.1, और उसको भी एम प्लस करेंगे अभी, उसको भी क्या करेंगे एम प्लस। तो एक सेकेंड देना, मैंने यहां लिखा 1.1, सॉरी 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 वेट,
स्कोप प्रेजेंट करना पड़ेगा 1.1 इंटू वन। प्लीज ध्यान रखना 1 into 1.1 मत कर देना। देखो इसको लेकर आपका भी अपना एक तरीका हो सकता है, अगर आप उससे कंफर्टेबल हो तो वो चलने दो, जिनका खुद का तरीका नहीं है वो ये बना लो। इस कैलकुलेशन काम सीए फाइनल एसएफ में बहुत कम पड़ता है, लेकिन जिस दिन पड़ जाता है उस दिन स्टूडेंट फेल हो जाता है। आप सोचो स्टूडेंट को सारे लॉजिक क्लियर है, बड़े से बड़ा फॉरेक्स क्लियर है, बड़े से बड़ा डेरिवेटिव क्लियर है, और यहाँ आके अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो कितना बुरा लगेगा, लगता है। ठीक है, अभी आप देखें ना सबने अलग अलग आंसर दिए यहाँ पे। ठीक है, तो प्लीज सुनो, आपका खुद का तरीका है तो चलने दो, तरीका नहीं है तो सीख लो। वापस से बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ, सर 1 रुपया कैलसी पे लो और उसको एम प्लस में डालो, क्यों? क्योंकि सर ये तो यहीं कहीं रखा है। फिर 1.1 लो पहले, 1.1 क्योंकि 1 प्लस आर पहले लिया जाता है, इंटू ये वाला 1 रुपया करो, इक्वल्स टू करो तो 1.1 आएगा और उसको कैलसी पे एम प्लस डाल दो, तो 1.1 इंटू 1 रुपया करा इक्वल टू एम प्लस, 2 साल के 1-1 रुपए यहां इकट्ठे कर दिए। ठीक है, ये कर दिया एम प्लस। ठीक है, अब सर क्या करना है ध्यान से देखना, अब सब कुछ मेमोरी में स्टोर्ड है, अब सब कुछ मेमोरी में स्टोर्ड है, इन द सेंस दैट सर अब सिर्फ, अब जैसे ही मैंने इक्वल टू एम प्लस किया ना दोस्त, इंटू इक्वल्स टू किया, पहले इंटू इक्वल्स टू किया तो आपको कैलसी पे 1.21 दिखना चाहिए, है ना? जैसे ही मैंने इंटू इक्वल टू दिया कैलसी पे दिखना चाहिए 1.21, उसको कर दो एम प्लस, थर्ड ईयर हो गया। वापस कर रहा हूं इंटू इक्वल टू, 1 सेकंड रुकना। वापस कर रहा हूं इंटू इक्वल टू एम प्लस, इंटू इक्वल टू एम प्लस। ठीक है, और लास्ट टाइम, और इंटू इक्वल टू एम प्लस, सेकेंड ईयर भी हो गया और फर्स्ट ईयर भी हो गया। वापस एक बार इंटू इक्वल टू कैलसी पे हो जाए, ठीक है, इंटू इक्वल टू एम प्लस, क्या आ रहा है आंसर? यस शुभम, नो प्रॉब्लम, यस। ऐसा करके एक बार आंसर बताओगे? चलो कंफर्म करते हैं सर, फर्स्ट ईयर्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ रेस्पेक्टिव ईयर के एंड में जो एक 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 रुपया रिसीव हो रहा था, उन सबकी यहां वैल्यू एक बार आंसर करके देखते हैं। सर वन ऐसा कैसा एम प्लस में डाला, 1.1 इंटू वन, 1.1 एम प्लस में डाला, इन मुझसे एक गलती हो गई है बताने में गलती हो गई है, ये जो बार बार मैं आपको इंटू करा रहा था ना, बस वो नहीं कराना है, बाकी सब सही है। ठीक है, 1 सेकंड देना, अलाउ मी अ मिनट, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा रहा हूं। चलो everyone would request you all to be here, please थोड़ा सा modification करा है, please ध्यान से सुन लो, समझाने में एक चीज मैंने एक into extra लगवा दिया है, please आ जाओ वापस यहाँ पे। ठीक है सर, 1 रुपया जो था ना यहाँ का, वो यहाँ पे 1 रुपया ही है, तो 1 को as it is m plus किया, 1 को as it is m plus किया, ये वाला 1 रुपए को यहाँ कैसे भेजा सर, 1.1 into 1 करके equals to m plus किया, तो वो 1.1 भी add हो गया। अब इंटू नहीं करना है, वो इंटू वहां पर रखा हुआ है, सिर्फ इक्वल्स टू करना है, 1.21 आएगा, एम प्लस करना, एक और इक्वल टू करना है, 1.331 आएगा, उसको एम प्लस करना, एक और इक्वल टू करना, 1.4641 आएगा, उसको एम प्लस करना, मेमोरी रिकलेक्ट करोगे तो 6.1051 आएगा। आर यू ऑल एबल टू कम टू 6.5105 ऑन अ राउंडेड ऑफ बेसिस पीपल, 6.105 है ना? हाँ, जीटी भी यूज कर सकते हैं बिल्कुल मनीषा। चलो अब सबका अपना अपना तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अपने अपने तरीके से कर सकते हैं, है ना? अल्टीमेटली पॉइंट ये कि हमें ये चीज करते आ जाना चाहिए, 6.105 का मल्टीप्लीकेशन कर दो फटाफट, किससे, 200 रुपीज से, टू अराइव एट 1221 का फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो अब जिन लोगों ने ऊपर आंसर
जिन लोगों ने आंसर 6.1051 दिया है या फिर जिन लोगों ने आंसर 11221 दिया है, उनका आंसर सही है। क्या बोलते हो एवरीवन प्लीज? रिया 5.918, ध्रुव 6.72, गौरव 3.79, मनीषा 3.79, अंशिका 5.616, निलेश 5.616। मुझे पता नहीं चल रहा है आंसर है सही किसका। निलेश कह रहे हैं 5.616 आंसर आना चाहिए। आर यू गाइज ऑल्सो कंफ्यूज्ड? बताओ सर। आना चाहिए, क्या बोलते हो भरत? ये लोग अलग क्यों कर रहे हैं यार? देखें एक बार पीपल कि कहां गलती है, अगर गलती है तो मिलके देखना पड़ेगा। देखो मैं परपजफुली आपको इसी तरीके से लेके चलूंगा ताकि मेहनत सारी आपको करना पड़ेगी, रेडीमेड कुछ मिलने वाला नहीं है, ब्रेनस्टॉर्मिंग पूरी लगानी पड़ेगी। अमित भी कह रहे हैं सर आंसर तो 5.615 आना चाहिए, ऐसा देख लेते हैं। चलो सुपर क्विक वेरिफिकेशन हो जाए, ठीक है? सुपर क्विक वेरिफिकेशन है सर, कैसे कर रहे हो? अब 5.615 वाले, श्वेता बोल रही है 6.1051 ही आ रहा है सर, सक्षम भी यही कह रहे हैं, क्या करें यार दोस्त? ये तो सब कंफ्यूजन हो रहा है क्लास में। अरे यार सर ऐसे कैसे पढ़ाई करेंगे, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। रिया फिफ्थ ईयर को भी एफवी निकाल रहे हैं ये लोग, फिफ्थ ईयर की भी एफवी कर दी है इन्होंने। देखो 5.615 × 1.1 करेंगे ना, एक सेकेंड ना, 6.105 × चलो अभी मेरी बातचीत चल रही है 5.61 वाले लोगों से, है ना? 5.6156 वाले लोगों से मेरी बात चल रही है, ठीक है? गाइस आप लोग क्या कर रहे हो एक बार मुझे समझा दो, आई विल वेट फॉर यू टू टाइप। आप लोग क्या कर रहे हो मुझे समझा दो। 5 पॉइंट वालों से आंसर बात चल रही है, अंशिका से, निलेश से, चंद्रम से, रिया अगर आपका आंसर आ रहा है तो आपसे भी। मैंने 1 × एक्स्ट्रा कर दिया, मनीषा का कहना है 1.1। वन पॉइंट वन टू द पावर 5। रिया कंफ्यूज्ड, अंशिका यार इसमें जीटी का फंक्शन नहीं लगाएंगे तो बेटर है अंशिका। देखो एक काम करो, एक काम करो, बेसिक मैथ समझे, एक काम करते इंडिविजुअल सबकी वैल्यू लिख लेते फिर उन सबको ऐड कर देंगे। डू यू एग्री? तो हमारा काम हो जाएगा। पीपल आप मुझे बता सकते हो 1 रुपए की वैल्यू फर्स्ट ईयर के एंड में कितनी है? अब इसमें अब जो कर रहे हैं ना उससे सब क्लियर हो जाएगा किस कौन गलत है कौन सही है, ठीक है? पता चल जाएगा कि यार भाई हम गलत है आप गलत है, ठीक है? वैसे मैं अभी किसकी साइड नहीं हूँ, ठीक है? चलो ये इसको रफ में लिख रहा हूं, हाँ ये अभी सबको नहीं दिखाएंगे अपन, मतलब बाद में हटा देंगे। फिफ्थ ईयर के एंड के 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपया, इसमें किसी को कोई डाउट? पीपल फोर्थ ईयर वाले, फोर्थ ईयर वाले 1 रुपए की वैल्यू फिफ्थ ईयर में कितनी, आप प्लीज बता दो मुझे। फोर्थ ईयर वाले 1 रुपए की वैल्यू फिफ्थ ईयर में कितनी है प्लीज मुझे बता दो। अच्छा निलेश 1.1, एड्रेस भेजो आपका, एड्रेस भेजना आपका निलेश। फोर्थ ईयर वाले 1 रुपए की, यार फोर्थ ईयर वाले 1 रुपए की निलेश फिफ्थ ईयर में वैल्यू 1.1 हुई ना यार, सिर्फ 10% ही तो बढ़ेगी वो चीज, ठीक है? थर्ड ईयर वाले 1 रुपए की वैल्यू फिफ्थ ईयर में कितनी, थर्ड ईयर वाले 1 रुपए की वैल्यू फिफ्थ ईयर में कितनी बता दो जरा सब लोग।
एक सेकेंड, हाँ थोड़ी सी, थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा ये वन यहाँ पे, एक सेकेंड ना, थोड़ा सा स्पेस मैनेजमेंट करते हैं, ये वन यहाँ पे, ये 1.1 ये वाला है, कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है 1 2 3 4 5 में प्लीज एवरीवन? रुको थोड़ा सा एरो को मैं छोटा ही कर देता हूँ, ये वन यहाँ पे, ये 1.1, फिफ्थ ईयर वाले 1 की 1, फोर्थ ईयर वाले की 1.1, थर्ड ईयर वाले की 1.21, सेकेंड ईयर वाले 1 रुपए की वैल्यू, सेकेंड ईयर वाले 1 रुपए की वैल्यू, फिफ्थ ईयर में कितनी? सेकेंड ईयर वाले की वैल्यू सर कितनी बार कंपाउंडिंग होनी चाहिए? 1 2 3, और 3 बार का कंपाउंडिंग मतलब होता है कैलसी पे 2 बार इक्वल्स टू प्रेस करना, सो 1.1 इनटू इक्वल टू 1.311, सॉरी 1.331। फिफ्थ ईयर वाले की वैल्यू एक बार बता दो प्लीज, सॉरी फर्स्ट ईयर वाले की वैल्यू, फर्स्ट ईयर वाले की वैल्यू फिफ्थ ईयर में कितनी आ रही है? 1.464 बता रहे हो, क्या बात है, वन पॉइंट फोर सिक्स फोर, 1.464। इन इंडिविजुअल कैश फ्लोज के ऊपर सब क्लियर है क्या? यस नो बोल दो, तो फिर बचा काम है सिर्फ इनको ऐड करना, बता दो यस नो बोल दो, यहां तक सब इंडिविजुअली क्लियर है तो अभी सिर्फ ऐड करना है। पीपल प्लीज रिक्वेस्टिंग अ रिस्पॉन्स। यार कैसे दिन आ गए ना, सीए फाइनल एसएफएम की क्लास में हमारे आधे घंटे तक हमें फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू का डिस्कशन करना है, मतलब लाइफ में बहुत पेन है, हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है सर कहीं ना कहीं बेसिक्स को बिल्ड करने के लिए, ये गलतियां का स्कोप है ही नहीं, सीए फाइनल लेवल पर आकर कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, आप सोचो हमने आधी घंटा स्पेंड कर रहे हैं फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन में एन्युइटी का, जिसका तो मैं आपको बताऊं एक बेसिक फॉर्मूला भी बता सकता था, वो याद है बचपन में फॉर्मूला 1 + r^n - 1 होल डिवाइड बाय n, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता था। यस ऐसा एक फॉर्मूला होता था, बस वो फॉर्मूला मगअप नहीं करना पड़े ना, इसलिए मैं आपको एक कॉमन सेंस बिल्ड करा रहा हूँ। ठीक है, तो एनीवेज आ जाओ, अभी हमने मोर देन नीडेड टाइम दे दिया अभी से बता रहा हूं, बट ये फर्स्ट लेक्चर है ना, तो आई विल पर्पसफुली ट्राई टू बी एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है चलो ऐड करो फटाफट, सबको ऐड करो और फाइनल आंसर बताओ कि कौन सही है कौन गलत। ओ, 6.105, 6.105, 6.105 एवरीवन इज द राइट आंसर, ये। सो अमित शौविक रथा भारत प्रिया, 1.6.105 आंसर बताया जा रहा है, एवरीवन प्लीज। चलो अब मैं 1 सेकेंड या फिर 1 मिनट वेट कर लेता हूं, जिन लोगों को डाउट आ रहा है कि 6.105 आंसर सर क्यों आ रहा है, वो मुझसे बात कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने तरीके से किसी तरीके से सॉल्व किया है। अब जिनका नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे थे कैलसी पे, मैं किससे बात कर रहा हूं स्पेशली, वो 5 पॉइंट वाले लोगों से जो आप बोल रहे थे ना कि अमित अंशिका 5.615, आप लोग सेटल्ड हो क्या अभी? मैक्सिमम वी कैन स्पेंड 1 मोर मिनट, है ना, आप अपना टाइम ले लो, स्पेस ले लो, और मुझसे जो भी पूछना हो इससे रिलेटेड पूछ लो। ऐश्वर्या, अच्छा ऐश्वर्या, अभी जो कैलकुलेशन हमने किया है ना, वो एंड ऑफ द ईयर अज्यूम करते हुए किया है। ठीक है, और अगर ये लोग बिगिनिंग द ईयर अज्यूम करते हुए करते तो इनका इनका आंसर 6.105 से और बड़ा आता, क्योंकि ये लोग एक एक एक्स्ट्रा कंपाउंडिंग करते हैं। अभी देखो अपन ने ऐश्वर्य क्या किया है, फिफ्थ ईयर के कैश फ्लो को फिफ्थ ईयर पे ही लिया है, अगर ये स्टार्ट ऑफ द ईयर पे लेते तो ये कैश फ्लो लेते यहाँ, लास्ट कैश फ्लो ये यहाँ ले लेते। अब लास्ट कैश फ्लो के 1 रुपए को भी ये 1.1 बना देते, जो अपन ने अभी सिर्फ 1 ही लिया है, राइट? तो इनके अकॉर्डिंग तो आंसर 6.105 से भी और बड़ा आ जाता, ना कि जस्ट 6.105। तो कम क्यों आ रहा है मुझे वो समझ नहीं आ रहा कि ये लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं। ओके मुझे समझ में आया, स्कैम पता है क्या कि आप लोग कर रहे हो सर, 1.1 इंटू 1 2 3 4 जी टी,
सर जी यही तो बात है, इसीलिए तो फ्यूचर वैल्यू का कैलकुलेशन सीखना है ना। मैं बताऊँ ना मिस्टेक कहाँ है सर, क्या होता है ना, चलो डू यू अलाउ मी एवरीवन, डू यू अलाउ मी कि मैं ये ना बताऊं कि आपने क्या गलत किया है और सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर लूं कि आप ये सीख गए हो। पीपल वो तरीका गलत है, वो अप्लाई होता ही नहीं है। अगर आपने वो कहीं सीखा है तो वो गलत है, प्लीज चले आगे, अदरवाइज तो ऐसे ही यार रह जाएंगे। इसको कभी फिर मैं लाइफ में फास्ट ट्रैक बोल ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। चलो यहां से खत्म करके आगे चल रहे हैं सर। अच्छा हुआ ये डिस्कशन हो गया यहाँ पर। आई डिंट नो, मुझे तो क्या लग रहा था प्रेजेंट वैल्यू स्टार्ट करते टाइम कि यार ये शायद मैं ना लूँ तो भी चलेगा, लेकिन अभी सिचुएशन देख के लग रहा है कि बहुत ही अच्छा हुआ हमने डिस्कशन यहाँ कर लिया, ठीक है। चलो सुपर ग्रेट सर, ये बात अब मैं अग्री करूंगा कि प्रेजेंट वैल्यू में तो कोई स्टूडेंट मिस्टेक करेगा ही नहीं, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू में तो क्या है ना सर, हमारे ब्लड में वो चीज 1.1 लिया डिवाइड बाय 1, 2, 3, 4, 5 GT दबाया, प्रेजेंट वैल्यू का एनुइटी फैक्टर आ जाता है। मानते हो कि नहीं, ये ब्लड में है कि नहीं हमारे पीपल, है ना। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू एन्युइटी का अमाउंट इन टू प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर सर, 10% के हिसाब से 5 साल के लिए, तो 200 रुपए का सर जो एन्युइटी अमाउंट है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1.1। इसमें किसी का मिस्टेक नहीं, प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर, क्लास में अगर 22 स्टूडेंट्स मुझे अभी दिख रहे हैं तो 22 के आंसर चाहिए प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर और सबके एक जैसे, प्लीज। प्रेजेंट वैल्यू एनिटी फैक्टर के सबके आंसर चाहिए। शौविक का आया है, जल्दी 3 डिजिट तक आना चाहिए सबका आंसर, 3 डिजिट तक। और जब 3 डिजिट बोला है तो ऑटोमेटिकली बोलने की जरूरत नहीं होना चाहिए कि राउंडिंग ऑफ नाम की व्यवस्था बनी है इस दुनिया में। 3.791, 3.791, किसी का भी आंसर इसमें तो स्कोप ऑफ मिस्टेक चाहिए ही नहीं, ठीक है। गौरव, श्वेता, अमित, चंद्रम आया, ठीक है। भरत, ध्रुव, शानदार। रिया, अंशिका, आप लोग सेटल लो यहाँ पे इस चीज को लेकर। मनीषा, 3.791, ठीक है। चलो 3.791 इंटू 200 करते हैं ना सर, तो आता है आंसर 758.2, ठीक है। 758.2, 758.2, ठीक है। अब मेरी एक चीज सुनना, मेरी एक चीज सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये था रेगुलर एन्युइटी। रेगुलर एन्युइटी मतलब सर नॉर्मल केस। एफवी, एक शॉबिक, एक मिनट आपके डाउट में आ रहा हूँ, एवरीवन सब सुनना। ये थी रेगुलर एन्युइटी। रेगुलर एन्युइटी का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल केस, ठीक है। जहां पे नॉर्मली भी अपन नहीं देखते, कोई भी अपन क्वेश्चन करते तो अपन नहीं मानते क्या कि जो भी कैश फ्लोज हो रहे हैं वो उस टाइम के एंड में हो रहे हैं, उस पीरियड के एंड में हो रहे हैं। ये था एन्युइटी रेगुलर। दूसरा केस होता है सर एन्युइटी ड्यू, जिसमें क्या हम मानते हैं कि सर सारे जो कैश फ्लो होंगे ना वो ईयर के स्टार्ट में होंगे। जैसे ये फर्स्ट ईयर है ना, फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो यहाँ हो जाएगा, ये सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर का कैश फ्लो यहाँ हो जाएगा, थर्ड ईयर का यहाँ हो जाएगा थर्ड पे, है ना। तो थर्ड ईयर के स्टार्ट में कैश फ्लो मतलब सेकेंड के एंड में। तो इसमें कैलकुलेशन कैसे करना है दोनों में, एन्युइटी ड्यू के केस में, मुझे लगता है कि इसको तो अभी डिस्कस नहीं करते, अदरवाइज बहुत ज्यादा डिटेलिंग हो जाएगी। जब भी देखो पूरा सीए फाइनल एसएफएम कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स हमारे पास ही है, जब भी किसी भी क्वेश्चन में ये अप्लाई करने की सिचुएशन आ गई हम यहाँ आके इस कॉन्सेप्ट को अपडेट कर लेंगे। आपको मेरी बात में सेंस लगता है क्या, यस या नो बोलो। मैं तो करा सकता हूँ, लेकिन क्या होगा ना कि बेसिक से इतने पढ़ लेंगे कि यार फिर क्या मतलब है। पहले ही अपन जो पढ़ रहे हैं आप समझना, मुझे नहीं पता बट मेरा ऐसा गेस है कि शायद आपने एसएफएम की क्लास में कभी ये बेसिक्स बिल्ड किए नहीं होंगे अच्छे से, शायद, राइट। तो अगर वो चीज है तो सर हम क्यों फिर वापस और बेसिक्स में भी और बेसिक डाल रहे हैं, ठीक है। बेसिक्स का डिटेलिंग नहीं लेते, जितना जरूरी उतना करते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं सर। इसके साथ आपका एन्युइटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, और एन्युइटी में थर्ड टाइप की एन्युइटी सर बची है, सॉरी खत्म नहीं हुआ, परपेचुइटी। परपेचुइटी मतलब क्या होता है सर, 200 रुपए आज, कल, परसों, हर दिन, हर साल, लाइफ टाइम, फॉर एवर, इंफिनिटी तक मिलते चले जाए तो वो होता है परपेचुइटी सर। मतलब वो 200 रुपए जो इनफाइनाइट पीरियड तक मिल रहे हैं, क्या उसकी फ्यूचर वैल्यू, लेफ्ट वाला कॉलम किसका चल रहा है, फ्यूचर वैल्यू, क्या उसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल है? आंसर है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट, ठीक है।
लेकिन सर वो 200 रुपए जो इनफाइनाइट नंबर्स तक में, उसकी क्या प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल है? जी हाँ, कैसे करते हैं? ए बाय आर के फॉर्मूले से। ठीक है, 200 रुपए जो फॉरएवर मिलते चले जाएंगे, उस 200 रुपए को जब आप 10% से या फिर 0.1 से डिवाइड कर देंगे तो 2000 आएगा, और 2000 रुपया इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल सच 200 रुपीज विच विल बी रिसीव्ड फॉर एवर। क्या इसके साथ मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के, ध्यान से सुनना क्या क्या बोला मैंने, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के, सिंगल सम के, रेगुलर एन्युइटी के और परपेचुइटी के, छो या फिर छो सातों कॉम्बिनेशन बता पाया क्या? प्लीज यस या नो, फाइनल एवरीवन यस नो बिफोर वी मूव ऑन। क्लैरिटी का 100% क्लियर होना चाहिए, कोई स्कोप ऑफ कंफ्यूजन नहीं चाहिए। बाकी लोग बोलो यार यस नो तो बोल दो एक बार। ठीक है चलो, तो इसके साथ सर एक और डिस्कशन ले रहे हैं, बेसिक्स में ही, बेसिक्स में ही, बेसिक्स में ही, है ना, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट को लेकर। देखो ये डिस्कशन में या नहीं लू ना तो भी चल जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, डाउट्स आ रहे हैं। हाँ स्टूडेंट्स के, मनीषा सर लास्ट में FVAF कैलसी पे शॉर्टकट एक्सप्लेन करना प्लीज। ठीक है मनीषा, लास्ट में करते ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को जाना होगा तो वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर शौविक आपका डाउट आया सर, FVP एट द एंड लिए, PVP एट द बिगनिंग। शौविक मैं आपका डाउट समझा रहा हूं कि आपने यही पूछा है क्या? जैसे समझो ये मेरा टाइमलाइन है, समझो ये मेरा टाइमलाइन है ना, तो पीवी हमेशा जीरो का होता है, उसमें स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड ऑफ द ईयर कुछ नहीं होता है। एफवी हमेशा एंड का ही होता है, उसमें भी स्टार्ट एंड नहीं होता है। ये जो स्टार्ट और एंड ऑफ का होता है ना, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट एन्युइटी पे एप्लीकेबल है, कि जो हर साल मिल रहा है ना सर, हर साल वो उस साल के एंड में मिल रहा है या जल्दी में मिल रहा है, उसमें पीवी एफवी लगता है। सिंगल सम में मतलब पीवी जीरो, सॉरी जो हर साल मिल रहा है ना उसमें स्टार्ट ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर लगता है, बाकी जो सिंगल सम है पीवी ऑलवेज मीन जीरो और एफवी ऑलवेज मीन एट द एंड। क्या सौविक आपका क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी एक्सप्लेन कर पाया मैं? सौविक आंसर दीजिए। बाकी लोग क्वेश्चन और आंसर समझे क्या आप लोग? जस्ट अभी मैंने क्या एक्सप्लेन किया? अदर्स बताओ तो सही एक बार, है ना, कोई पीवी और एफवी में मत सोच लेना स्टार्ट ऑफ द ईयर हो रहा है कि एंड ऑफ द ईयर, भाई वो तो एन्युइटी का कॉन्सेप्ट है स्टार्ट और एंड। सक्षम सुन लो, फटाफट सुन लो सक्षम, एवरीवन एल्स सुन लो। सर जब किसी ने पीवी बोला तो इट कंपल्सरीली मीन 0 पॉइंट पे, कब? जब किसी ने एफवी बोला तो वो कंपल्सरी मीन होता है 5th ईयर के एंड पे। ठीक है, उसमें स्टार्ट ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर नहीं लगता है पीवी और एफवी में, ये तो जो पॉइंट्स मैंने बताया बस वही होता है कंपलसरी। अब जो अमाउंट हर साल मिलते हैं, एन्युइटी की बात चल रही है, एन्युइटी में होता है कि सर वो एंड ऑफ द ईयर थे तो उसको रेगुलर एन्युइटी बोलते हैं, और स्टार्ट ऑफ द ईयर थे तो उसको एन्युइटी ड्यू बोलते हैं। ठीक है, सौविक तो अभी आपका डाउट सॉल्व हुआ कि नहीं? सौविक मुझे बस इतना बता दो कि अभी भी नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता चल रहा। एफपी में आप 1 लिए, एम प्लस पी एन पीवी में प्लीज मैंने, सक्षम सक्षम आप सब्सक्राइबर हो ना, जो भी सब्सक्राइबर है अपना हैंड रेज करो ना, आपको ऑडियो का ऑप्शन आता है क्या सब्सक्राइबर्स को? मुझे जानना है।
अच्छा रिया और सक्षम आपको आ रहा है, एक बार बोल के दिखाओ कुछ। श्वेता आपको भी आ रहा है, अभिषेक आपको भी आ रहा है। ओके सो सौविक, एक्चुअल में क्या हुआ, इन लोगों ने बैच सब्सक्राइब किया है तो इन लोगों को ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब टू बी फ्रैंक है ना, आपको थोड़ा सा आपका क्वेरी अच्छे से लिखना पड़ेगा। आप इतना वो मैसेज वाला लैंग्वेज लिख रहे हो कि आपका चैट ही मुझे समझने में प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, यू हैव परचेज द क्लास सोविक, तो फिर अलाउ मी अ मिनट। ठीक है सोविक, आपके पास मेरी पर्सनल डिटेल्स है, पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर या ऐसा कुछ? आर यू इन टच विथ मी? है ना, इन विच केस आप मुझे एक व्हाट्सएप करके रख देना क्लास के बाद। ठीक है, एंड आई विल आस्क द टीम टू फिगर आउट कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, चलिए। हाँ तनुज बस आ रहे हैं। यार तनुज आपको तो अब देख रहा हूं मैं, कहाँ थे सुबह से, एक्टिव नहीं थे क्या तनुज? चलो भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट। लेकिन उसके पहले एक और कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करना है सर, जिसका नाम है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्लीज। ठीक है, हम जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स ऑफ रिटर्न पढ़ रहे थे तो उसमें फर्स्ट था एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो हमने पढ़ा कि सर हमें क्या लगता है कि कितना मिलेगा। ठीक है, रिक्वायर्ड का तो रिलेशन कुछ अलग ही था। रिक्वायर्ड का तो मतलब था कि रिस्क के अकॉर्डिंग हमें कितना चाहिए, एक है हमें कितना चाहिए और एक था कि हमें क्या लगता है कि कितना मिलेगा। अब थर्ड है आईआरआर। फ्रेंकली सेइंग ना, आईआरआर कोई टाइप का रिटर्न नहीं है, नीदर इट इज रिक्वायर्ड नॉर इट इज एक्सपेक्टेड। क्या ये कोई पर्टिकुलर टाइप का रिटर्न नहीं है, ये फ्रेंकली देख बताऊं ना आपको तो ये एक टाइप की टेक्निक है। किस चीज की टेक्निक सर? किस चीज की टेक्निक सर? ये वो टेक्निक है कि जब हमारे पास मल्टीपल कैश फ्लोज होते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल कैश फ्लोज होते हैं तो क्या हम उन कैश फ्लोज को देखकर ये फाइंड कर सकते हैं क्या कि हमने वहां से कितना रिटर्न कमाया? वो टेक्निक है आईआरआर। अब जैसे मैंने बोला कि यार मैंने आज 110 रुपए देने हैं, ठीक है, जिसके अगेंस्ट मुझे 11 रुपए मिलेंगे और 121 रुपए मिलेंगे, है ना? तो टाइमलाइन पे इमेजिन करना, टाइमलाइन पे इमेजिन करना। ठीक है, रेड मतलब आउटफ्लो लिख रहा हूं, हाँ रेड मतलब आउटफ्लो। 110 रुपया आज पॉकेट से गया। ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड पे ग्रीन मतलब इनफ्लो बना लेते हैं सर। फर्स्ट ईयर के एंड पे 11 रुपया मिला और सेकेंड ईयर के एंड पे 121 रुपया मिला। ठीक है, सो 0, 1 और 2, फर्स्ट सेकेंड एंड 0, 1, 2 ईयर के आपको कैश फ्लोज दे रखे हैं। अब सर 100 और कॉमन सेंस बताना, अगर 110 रुपया दे के अगर टोटल मुझे 131 मिला है, 110 दे के अगर टोटल 131 मिला है तो 100% कुछ तो कमाया है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कुछ एक भी रुपया ऊपर मिला मतलब कुछ कमाया। सवाल आता है सर कितना कमाया, क्योंकि क्या होता है ना, क्या होता है ना, सब लोग ध्यान से सुनो। जब मैंने बोला कि आपने 0 पॉइंट पे 100 रुपया दिया, रुको, मैंने बोला कि आपने 0 पॉइंट पे 100 रुपया दिया, 100 रुपया सॉरी, है ना, और मैंने कहा कि 1 साल बाद आपको 110 मिला, क्या आप मुझे देखकर बता सकते हो? अब ऑब्वियसली मैंने दिया 100 है और मिला 110 है, तो कुछ तो कमाया है, देख के बता सकते हो कितना कमाया? प्लीज एवरीवन बताइए कितना कमाया। सबको समझ में आ रहा है? 10%, क्योंकि ये है ना आपका कॉमन सेंस से अप्रूव हो रहा है, आपका कॉमन सेंस केपेबल है इसके बारे में सोचने के लिए। भाई साहब ये और ये सेम सिचुएशन है, जस्ट दैट कि इसमें इयर्स बढ़ गए ना, तो हमारा कॉमन सेंस सोचने नहीं दे रहा है, सोच नहीं पा रहे हम। और जब मल्टीपल कैश फ्लोज में कमाए गए रिटर्न को फाइंड आउट करना होता है तो जो टेक्निक यूज की जाती वो है आईआरआर बॉस, समझे क्या? वो टेक्निक है आईआरआर जो मल्टीपल कैश फ्लोज के छुपे हुए रिटर्न को फाइंड आउट कर दे। ठीक है, यहां जो सिचुएशन बनाई थी और ये जो सिचुएशन है वहां पे लॉजिक सेम है सर, एक इनफ्लो है और कुछ आउटफ्लोज है, एक इनफ्लो है कुछ आउटफ्लोज है। आउटफ्लो सर अगर इनफ्लो से, सॉरी, एक आउटफ्लो है और कुछ इनफ्लोज है, मैंने उल्टा बोल दिया, एक आउटफ्लोज है और कुछ इनफ्लोज है सर।
इनफ्लोस अगर होने वाले आउटफ्लो से ज्यादा है ना, मतलब कुछ तो कमाया, कितना कमाया वो आईआरआर बताएगा, ठीक है? अब दिल से बताऊं ना तो आईआरआर आपके बचपन का टॉपिक होना चाहिए, उसकी डिटेल बताऊंगा ना तो यार हमारी क्लास कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, ठीक है? सिर्फ कैसे कैलकुलेट करके वो बता रहा हूं। तो हम कैलकुलेट ऐसे करते हैं, हम बोलते सर 110 का आउटफ्लो, और आईआरआर कैलकुलेट करने का एक तरीका है कि सर वो कौन सा रेट होगा सर जिनसे अगर कैश फ्लोस को डिस्काउंट कर दिया जाए रेस्पेक्टिव ईयर्स के लिए, वो कौन सा रेट होगा जिनसे इन कैश फ्लोस को रेस्पेक्टिव ईयर के लिए डिस्काउंट कर दिया जाए तो हमें हमारे इनफ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो के बराबर मिल जाएगी। क्या आप बचपन का ये लॉजिक रिलेट कर पा रहे हो जो फाउंडेशन इंटर में बनाए होंगे आपने? पीपल रिक्वेस्टिंग अ रिस्पॉन्स, रिक्वेस्टिंग अ रिस्पॉन्स प्लीज। वो कौन सा रेट होगा जिनकी मदद से अगर कैश फ्लोस को डिस्काउंट कर दिया जाए तो वो पीवी के बराबर हो जाएंगे, और वो रेट हमें ट्रायल एंड एरर मेथड से कैलकुलेट करना पड़ता है। अभी मैंने नंबर्स ऐसे लिए कि सबको देखकर समझ में आ जाएगा कि वो 10% है, क्योंकि सर 110 का 10% होता है 11, तो 11 रुपया मिल गया, फिर 110 फिर वापस प्रिंसिपल ड्यू हो गया, उस पर वापस 10% मिल गया, तो टोटल 121 रिटर्न आ गया। तो नंबर्स मैंने ऐसे लिए थे कि 10% ऑब्वियस लगे, है ना? बट आईआरआर इज नथिंग बट द डिस्काउंट रेट विच विल इक्वेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोस, दोनों को सेम करते वो आईआरआर। कूल, इसके वेरिफिकेशन वगैरह पे नहीं जा सकते बॉस, ये सब रेगुलर का काम है, ठीक है? ये सब अभी नहीं। क्या मैं आपको आईआरआर समझा पाया? अब यहां पे सिर्फ एक बात और सुन लो, ठीक है? तो ये टेक्निक है, अगर कोई बोले कि सर आज एक प्रोजेक्ट में 100 रुपया लगाना है जिससे इतना इतना मिलेगा, मतलब डू यू अग्री? अगेन ही आपका एक्सपेक्टेशन है, आप एस्टिमेट कर रहे हो कि इतना इतना मिलेगा, तो वो रिटर्न जो 10% कैलकुलेट होकर आया है, ये बेसिकली आप सोच रहे हो कि यार फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट से कितना मिलना एक्सपेक्टेड है, ठीक है? सिमिलरली अगर ये आपके हिस्टोरिकल रिटर्न है, आपने बोला सर 3 साल पहले एक प्रोजेक्ट से मैं 110 लगाया था, 3 साल पहले, ठीक है? 2 साल पहले इतना मिला, उससे 1 साल पहले इतना मिला, अगर ये हिस्टोरिकल डेटा आपने बता दिया तो मैं बोलूंगा कि ये 10% आपको एक्चुअल में रिटर्न आपने कमाया इतना। तो डिपेंड अपॉन डेटा हिस्ट्री का या डेटा फ्यूचर का, अकॉर्डिंगली आईआरआर आपको वो रिटर्न का बता देता है। सिंपल, इट्स अ टेक्निक व्हिच गिव्स यू द रिटर्न यू हैव अर्नड और द रिटर्न यू विल बी अर्निंग। सिंपल। क्या फाइनली आगे जा सकते हैं? यस या नो एवरीवन, प्लीज फाइनली एवरीवन बता दो। हेलो, है ना भाई साहब? आगे चलो, बहुत देर हो गई अब, और आगे चल के डिस्कस करना है सर इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। वैसे तो इसका यूसेज हमें डेरिवेटिव्स में आएगा, राइट? फिर भी क्या होता है ना, फिक्स्ड इनकम में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं ये कॉन्सेप्ट यूज में आ सकता है, इसलिए आप जान लेना जरूरी है। क्या आपको दो टाइप के रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पता है, फिक्स और फ्लोटिंग? पीपल बताओ बताओ बताओ, फिक्स और फ्लोटिंग? यस 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 यस। मतलब पता है क्या, आज मेरे दोस्त आज एक लोन लिया 5 साल के लिए, सुन लो ध्यान से, नो डेफिनेशन ओनली अंडरस्टैंडिंग। आज एक लोन लिया 5 साल के लिए, अगर 5 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आज ही बोल दिया 8%, मैंने आज ही बोल दिया लोन टू बी गिवन और टेकन एट 8% फिक्स्ड, मतलब इट इज अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब एक बात बताओ, अभी सुन रहे हो आप, ये सुन रहे हो ना इकोनॉमी में क्या चल रहा है, वो देखा आपने? जब से रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ तब से ग्लोबल इकोनॉमी सफर कर रही है, इंडियन इकोनॉमी ने भी सफर किया, और सब ने बढ़ते इन्फ्लेशन की वजह से बेसिक इकोनॉमिक्स लगाओ इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। एम आई राइट टू से दैट एवरीवन? सारी कंट्रीज ने, इंक्लूडिंग आरबीआई। अब भाई साहब जब ये रेट्स बढ़े तो अगर मैंने 5 साल पहले लोन लिया था, पांच साल पहले लोन लिया था 10 सालों के लिए, 5 साल पहले 10 सालों के लिए 8% पे लोन लिया था, डू यू अग्री? इकोनॉमी में रेट बढ़ने से मुझे कोई रिस्क ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो फिक्स 8% ही देना है। फिक्स्ड में कोई रिस्क है क्या आपको बताना प्लीज एवरीवन? हेलो हेलो हेलो, सभी लोग, हर कोई? नहीं है बॉस रिस्क। रिस्क किसमें है? रिस्क किसमें है? फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में।
फ्लोटिंग का एक और नाम होता है वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट में। मतलब सर बताऊं क्या, इसमें लोन ही हम किस पे लेते हैं, एक फिक्स रेट पे नहीं लेते 8%। हम बोल देते हैं मार्केट का कोई भी एक रेट डिसाइड कर लो। जैसे मार्केट में बहुत सारे बेंचमार्क्स है ना, बहुत सारे बेंचमार्क्स मतलब मार्केट में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे रेट्स को लोग रेफर करते हैं। जैसे लोग रेफर करते हैं लाइबॉर को, लोग रेफर करते हैं प्राइम लेंडिंग रेट को, लोग रेफर करते हैं रेपो को, है ना। अभी नया आया जो सीए फाइनल तक नहीं पहुंचा, SOFR, लोग रेफर करते हैं इसको। तो हमने बोल दिया मार्केट में कि यार देखो ये मार्केट में कुछ रेफरेंस रेट्स अवेलेबल है, तो हम आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे लोन पे, वो करेंगे वॉट एवर विल बी दीज रेट ऑफ इंटरेस्ट से +2% और से 1% और से 3% और 0.5%। मतलब हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स किया है, लेकिन फिक्स नंबर में नहीं, किसी रेफरेंस रेट को लेकर फिक्स कर लिया। हमने बोला लाइबॉर +2% विल बी द रेट। अब मार्केट में लाइबॉर बढ़ा तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, मार्केट में लाइबॉर कम हुआ तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। मतलब उस केस में आपको मार्केट इंटरेस्ट रेट चेंज होने से, लाइबॉर चेंज होने से, रेपो चेंज होने से रिस्क बनी रहेगी, क्योंकि आपके इंटरेस्ट के पेमेंट्स चेंज होते चले जाएंगे उसकी वजह से। अग्रीमेंट आ रहा है क्या सभी का इस पे? पीपल प्लीज। हेलो। और भाई साहब, भाई साहब, इसी रिस्क को कवर करने के लिए हम पूरा डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, पूरा इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, ठीक है। अभी यहां पे एक चीज आ जाओ, यहां पे एक चीज समझाना, जिसको लेकर सीए इंस्टीट्यूट ने बीच में कर दिया था एक स्कैम। स्कैम आई थिंक नवंबर 22 एग्जाम की बात है। मतलब आप समझो एज अ टीचर मुझे इतना बुरा लगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। क्या हुआ पता है, हम स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट सही सिखाते हैं, फिर आगे एक क्वेश्चन आता है जिसमें हम स्टूडेंट को बोलते हैं कि भाई गलत कर देना, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने यही कर रखा है, बोल के बताना पड़ता है कि गलत है और गलत ही करो, कॉन्सेप्ट से मैच नहीं हो रहा है देखो। और फिर इंस्टीट्यूट किसी एग्जाम में सजेस्टेड में सही वाला कर देता है, स्टूडेंट को मार्क्स नहीं दिए, क्योंकि उसको सही होने के बावजूद भी वो गलत करके आ रहा था। मतलब आप लेवल ऑफ शॉक में सोच सकते हो। एक होता है कि यार मुझे बना ही नहीं, वो गलती है। जैसे मई 23 एग्जाम के क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, मानी बात, बने ही नहीं। एक होता है सर आता है, सही भी पता था, जानबूझ के गलत करके आया, क्योंकि इंस्टीट्यूट हिस्टोरिकली वही कर रहा था, एक दिन उन्होंने सही कर दिया। इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो पॉइंट था, बताता हूँ, और वो जब क्वेश्चन आएगा तब भी बताऊंगा। सुनो क्या होता है, ये चीज कैसे काम करती है। सर जैसे आज है 0 मंथ, ये है 3 मंथ और ये है 6 मंथ। तो आज आज 0 डे पर ही एक रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हो जाता है, जो एप्लीकेबल रहेगा अगले 3 महीने के लिए, है ना। तो जैसे जो भी 3 महीने का समझो लाइबॉर है, जो भी 3 महीने का लाइबॉर है समझो 8%, वो कब डिसाइड हो जाता है, 0 पॉइंट, कब एप्लीकेबल रहेगा, अगले 3 महीने, ठीक है। मतलब इस रेट से अगर आप लोन ले रहे हो तो आपको उसके इंटरेस्ट का पेमेंट कब करना है, साल में 4 बार तो करोगे ही ऑब्वियसली। देखो 3 मंथ लाइबॉर का मतलब है सर ये कि क्वार्टरली रेट है, मतलब क्वार्टरली रेट है ना, तो इसका इंटरेस्ट का पेमेंट भी कैसा होना चाहिए, क्वार्टरली। ध्यान से सुनना सभी लोग, इंटरेस्ट का पेमेंट भी कैसा होना चाहिए, क्वार्टरली। इसीलिए हर क्वार्टर के एंड में जो जो रेट आता चला जाएगा उस पे हम पेमेंट करते चले जाएंगे, ठीक है। मतलब ध्यान से देखना, 8% पर है ना, मैं क्वार्टरली रेट है ना, मतलब 3 मंथ। अभी मैं ज्यादा एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बट उससे फर्दर प्रैक्टिकल क्वेरीज मत क्रिएट करना, ये सब बाद में आएगी चीजें, बट एक इंट्यूटिव सेंस देना चाह रहा हूं। सर समझो आपने 100 रुपए का लोन लिया, आपने 100 रुपए का लोन लिया 3% 8 3 मंथ लाइबॉर के अकॉर्डिंग, ठीक है। 8% लाइबॉर आया तो पता तो 0 मंथ में ही चल गया था। थर्ड मंथ के एंड में उसका पेमेंट करने चाहोगे ना, तो आपको 100 रुपया इंटू 8% इंटू, सर 8% तो पर एनम है ना, सिर्फ 3/12 इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट देकर आना है थर्ड मंथ के एंड में। सर सेकेंड वाला जो टाइम पीरियड है ना, सेकेंड क्वार्टर, उसमें आरबीआई ने, फिर समझो मार्केट में रेट डिसाइड हुआ 9%, तो सेकेंड क्वार्टर में 100 रुपया इंटू 9% इंटू 3/12 सेकेंड क्वार्टर के एंड में पेमेंट करते आना है। सर क्या मैं आपको बता पाया इंटरेस्ट डिसाइड कहाँ होता है और पेमेंट कहाँ होता है और कैसे होता है, रिक्वेस्टिंग अ रिस्पॉन्स। प्रणय गुड मॉर्निंग सर, कहाँ चले गए थे, एवरीवन प्लीज बताओ, एवरीवन प्लीज बताओ। हेलो
यार ये क्या नींद आ रही क्या बच्चे लोगों को, कहाँ गए सब? ठीक है, तो अब टर्मिनोलॉजी जानना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट से ज्यादा जरूरी यहां पे लगती है सर टर्मिनोलॉजी। इस दिन जब चीजें डिसाइड हुई तो इसको कहते हैं फिक्सिंग डेट या रीसेट डेट। इस दिन इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है या रीसेट होता है, ठीक है। इस टाइम पीरियड को कहते हैं, उस 3 महीने को कहते हैं, कितने टाइम के लिए इंटरेस्ट रेट डिसाइड हुआ है उसको कहते हैं रीसेट पीरियड। सर जिस दिन वो सेटल होता है, जिस दिन इंटरेस्ट सेटल होता है उसको कहते हैं सेटल, अरे यार वेट 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 माय बैड वेट, जिस दिन इंटरेस्ट सेटल होता है उसको, मुझे थोड़ी सी जगह बनाने दो लिखने की। उसको कहते हैं सेटलमेंट डेट, ठीक है। अब इनके शॉर्ट फॉर्म समझना, इंटरेस्ट रेट डिसाइडेड या फिर फिक्स्ड लिख लेता हूं, फिक्स्ड वर्ड इरिटेट करेगा, क्या वर्ड लिखा जाए, डिसाइडेड हियर, है ना। सेकेंड इंटरेस्ट अमाउंट पेड हियर। बताओ सर आप में से क्या लोग बोलते हो, सर जी अग्रीमेंट है आपका इन चीजों के ऊपर या नहीं है? क्या ये सफिशियंट प्रेजेंटेशन है आपको फ्यूचर में इन नोट्स को रेफर करने के लिए खुद से? क्या आप इतना देखकर बिल्कुल 100% क्लैरिटी से समझ पाओगे क्या? ठीक है, सब कुछ जो जो लिख सकते थे लिख दिया। अब यही साइकिल सर फिर से रिपीट होगी बॉस, थर्ड मंथ के एंड में वापस यही कहानी है। थर्ड मंथ के एंड में एक नया रेट आएगा, वो उस पीरियड का रीसेट डेट बनेगा, यहाँ एक रेट पता चलेगा, उसका सेटलमेंट 6 मंथ के पीरियड में होगा। अब अगर सर ये 6 मंथ लाइबोर होता तो 0 पे अगले 6 का डिसाइड हो जाता और फिर 6 से 12 तक का डिसाइड हो जाता, ठीक है। इट विल कीप ऑन हैपनिंग, दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ फ्लोटिंग रेट वर्क्स इन द मार्केट, ठीक है। इससे रिलेटेड सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑब्वियसली बहुत लेट देखने को मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे, और फिक्र मत करना, तब एक बार और ये कॉन्सेप्ट फिर से रिफ्रेश करा दूंगा, है ना, अभी समझ लो, ठीक है। अब इसके साथ सर एक कॉन्सेप्ट है स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट का। मुझे ऐसा लगता है कि इस कॉन्सेप्ट को हमें पता है कब देखना चाहिए, या तो फिक्स्ड इनकम का चैप्टर पढ़ेंगे तब, या फिर डेरिवेटिव्स का चैप्टर पढ़ेंगे तब। अगर अभी से जान लिया ना तो तब तक आते आते हमें पक्के से भूलना है और उसके पहले इसका कहीं यूज है ही नहीं। एम आई क्लियर टू यू ऑल प्लीज पीपल? बताओ क्या सीन है? तो प्रणय आपकी क्वेरीज का डाउट दूंगा, अभी 5 मिनट दे दो, है ना, आपकी क्वेरीज का सब आंसर दे दूंगा। इसके साथ बॉस बताऊं क्या, आपने पूरे SFM में लगने वाले बहुत सारे कहीं ना कहीं छोटे बड़े बेसिक सब क्लियर डिस्कस कर लिए। आपने ये भी डिस्कस कर लिया कि क्या अलग अलग टाइप के रेशियोज होते हैं, कोई जाना मत, 2 मिनट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा नोट्स की और आगे की प्लानिंग की। आपने ये भी डिस्कस कर लिया कि सर क्या अलग अलग टाइप के रेशियोज होते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है, ROE क्या होता है, PE क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी होता है। फिर आपने अलग अलग टाइप के रिटर्न भी समझ लिया, आपने ये समझ लिया एक्सपेक्टेड रेट क्या है, इंटरनल रेट क्या है, और रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड का ब्रेकअप क्या है, एक्सपेक्टेड का मीनिंग और फॉर्मूला क्या है, IRR का यूसेज क्या है, करेक्ट। फिर मेरे सर आपने ये भी समझ लिया कि इसमें कब रियल रेट यूज करते हैं रिस्की कैश फ्लो के लिए, कब रियल रिस्क फ्री करते हैं, कब नॉमिनल रिस्क फ्री करते हैं, ये भी समझ लिया। कब नॉमिनल पूरा रेट यूज करते हैं रिस्की वाला, मतलब जैसा कैश फ्लो वैसा रेट, सिंपल लैंग्वेज में टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिसको नॉर्मली ICAI 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करता है उसमें, ये भी समझ लिया। सिंगल सम है, मतलब यहां वाले 200 की यहां वैल्यू कितनी, या फिर यहां वाले 200 की यहां वैल्यू कितनी, ये दोनों समझ लिए। फिर एन्युइटीज, मल्टीपल 200 अगर ईयर के एंड में आए तो उसकी फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू कितनी, मल्टीपल 200 अगर ईयर के स्टार्ट में आ जाए तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू डिस्कस नहीं की अभी, बाद में देखेंगे, ठीक है।
परपेचुइटी का फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू आपने डिस्कस किया, फिर आपने ये समझा जैसा कैश फ्लो वैसा रेट। तो सर क्या हम एक कैश फ्लो को दूसरे कैश फ्लो में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर क्या हम एक टाइप के रेट को दूसरे टाइप के रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी हाँ, इफेक्ट है इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेशन की मदद से कन्वर्ट करते हैं। सर एक पढ़ाते पढ़ाते एक डाउट आ गया मुझे, जो खुद आंसर कर देता हूं। आपने सर यहां पे 2 का इफेक्ट लिया तो यहां क्यों नहीं लिया? अगर 2 साल का टाइम पीरियड होगा तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट 2 बार देना पड़ेगा क्या? नहीं मेरे भाई, सुन तो सही, ये कैश फ्लोज है जिसका कोई ईयर नहीं होता है। रेट तो खुद में ही पर एनम है ना, जब ये पर एनम है, ये पर एनम है, तो ये भी पर एनम है। अगर हमने बोला है 8% पर एनम, ये 5% पर एनम, तो ऑटोमेटिकली ये पर एनम ही आएगा। तो आप इस रेट को जितने ईयर्स के लिए अप्लाई करोगे, ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन का इफेक्ट उतने ईयर्स के लिए आ जाएगा। यहाँ पे ईयर का इफेक्ट आएगा, यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, आप देखो ना, मैंने यहाँ 2 किया क्या? नहीं सर, ये भी पर एनम था, ये भी पर एनम था, ये भी, तीनों ही पर एनम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा पाया क्या? खुद से जो डाउट क्रिएट किया उसका आंसर, पीपल प्लीज, है ना, चलेगा। कैश फ्लोज के टाइप समझ लिए, फिर आपने ये भी समझ लिया सर इंटरेस्ट रेट के टाइप क्या होते हैं, फिक्स और फ्लोटिंग, जिसमें एग्जैक्टली ये चीज कैसे काम करती है। अब ये जो कॉन्सेप्ट आपने अलग अलग जगह सीख लिया ना, इससे हम सब आ गए एक सेम पेज पर। नेक्स्ट चैप्टर की जब भी स्टार्ट होगी ना सर, चीजें थोड़ी सी हमें एकदम स्मूथ मैनर में दिख पाएगी, बताओ सर। तो ये था आप सभी के लिए मेरा बेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द बेसिक्स ऑफ SFM। ठीक है, अब आप लोगों को कुछ पूछना है तो पहले पूछ लो, या फिर पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट्स कर देता हूं, ताकि बाय चांस अगर कोई चला जाता है क्लास से तो उसका कुछ मिस नहीं हो। पहला सर, ये जो चैट में सबसे ऊपर ऊपर एक पिन मैसेज दिख रहा है, उस पिन मैसेज में आपको सॉफ्ट कॉपीज, कॉन्सेप्ट नोट्स और क्वेश्चन बैंक की शेयर करूंगा, उसका प्रिंट लेकर आपको नेक्स्ट क्लास में आना है। मैक्सिमम सैटरडे नाइट तक कर दूंगा, आपके पास संडे का टाइम रहेगा, मंडे को मॉर्निंग 7 बजे अपनी नेक्स्ट क्लास है। ठीक है, और इसके अलावा क्लास बता दिया, बेसिक्स बता दिया, अप्रोच बता दिया, जो लोग स्टार्ट हैं सुपर बेस्ट। अब आप लोग ये बता सकते हो, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू दिस? अगर आपकी साइड से कोई फीडबैक है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो सब एकदम अपफ्रंट होकर शेयर कर सकते हो। नेगेटिव है तो भी बता सकते हो, आई विल गेट अ चांस टू इंप्रूव, अगर सब कुछ अच्छा लगा तो वो भी बता सकते हो, इट विल मोटिवेट मी। प्लीज पीपल, क्या बोलते हो? सेटल्ड हो? चलिए श्वेता हैप्पी, रिया हैप्पी दैट आप लोगों को चीजें पसंद आ रही, प्रणय एक मिनट आ रहा हूं आपके पास, चंद्रम सुपर ग्रेट, ठीक है, निलेश स्पून फीडिंग का तो ऑप्शन है ही नहीं। हाँ अगर जो लोग चाह रहे हैं कि रेडीमेड चीजें मिलेगी तो आना भी मत क्लास में, ठीक है, ग्रेट। अभी अंशिका सेटल्ड हो, हैप्पी टू सी दैट। भरत, नवंबर 23 अटेम्प्ट बाय SFM पेंडिंग है तो बहुत डर लग रहा है, प्लीज गाइड। भरत यार आपका एक अलग केस है, अगर आप बोलते ना मेरा रेगुलर है और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, रेगुलर हो गया है, तो मैं बोलता कि आ जाओ मैं सब सेट कर दूंगा। अब आप बोल रहे हो सर मैंने आज तक रेगुलर नहीं किया, मैं डिटेल में बताऊंगा। अब सजेशन तो आपको यही कि आ जाना चाहिए, क्योंकि ये मैं श्योर हूं कि इससे बेटर आपके पास कुछ नहीं है। समझो, हो सकता है कि आपको 100 का प्रिपरेशन चाहिए, मार्क्स नहीं, 100 लेवल का प्रिपरेशन चाहिए, तो हो सकता है बैच आपको 80-90 प्रिपेयर कराएगी, पर इसके अलावा आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं, क्योंकि रेगुलर जो आपको 100 ले जाती उसका तो टाइम नहीं है हमारे पास। अब नवंबर में आपका अटेम्प्ट है, आपने SFM की अभी तक क्लास नहीं की, ठीक है। अमित आइडिया अच्छा है, हम डाउट सेशन एंड के लिए रख सकते हैं, ठीक है। हाँ ध्रुव अग्रीड, डाउट सेशन एंड में रखने की कोशिश करेंगे। शौविक थैंक यू सो मच, जय सेटो, बढ़िया। तो यार खुशी है, एंड ऑफ द डे आई एम वेरी हैप्पी दैट आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है, सारी मेहनत सारे एफर्ट्स आप ही के लिए है ना, हम लोग मस्त, बहुत खुशी हो रही है कि चलो अच्छा है, सारे बेसिक्स एक जगह सेट हो गए। अब हम लोग मंडे को सुबह 7 बजे मिलेंगे, ठीक है। अपना पेड वाला अभिषेक, मुझे नहीं पता, देखो अब नेक्स्ट क्लास मंडे को ये बात पक्का है, नेक्स्ट क्लास मंडे को ये बात पक्का है। अब मंडे वाला क्लास पेड है या फ्री अभी से मुझे नहीं पता है। हर 100% प्रणय, आपने ग्रुप 2 दिया है ना, तो ग्रुप 1 बचा है, SFM हम लोग कर लेंगे। टाइम 7 से स्टार्ट होगा और 10 मैक्सिमम होगा,
गाइस निलेश पूछ रहा है कि पेड क्लास में हैंड रेस का ऑप्शन है क्या, तो जो सब्सक्राइबर्स है एक बार प्लीज बता दो क्या आप लोग हैंड रेस कर सकते हो क्या, अनम्यूट कर सकते हो क्या, क्योंकि वो मुझे भी नहीं पता चलेगा। अभिषेक एक बार अनम्यूट करके दिखाओगे कैसे होता है आपका अनम्यूट, मतलब प्लीज। श्वेता अनम्यूट हो रहा है क्या आपकी साइड से? जय भाई सो सक्षम, आपने हैंड रेस किया, मैंने आपको इनवाइट किया। अभी क्या सक्षम कैन यू स्पीक समथिंग, कैन यू से समथिंग? हेलो हाँ मैंने एक्सेप्ट किया रिया, ठीक है, बट आवाज नहीं आई सक्षम की। हाँ ठीक है प्रणय, अपनी क्लास में लगेंगे अपने को टोटल, देखो मैं आपको एस्टिमेट कैलकुलेशन सब लोग देख लो, देखो 120 आवर्स है ना। समझो हर दिन हम कंसिडरिंग 10-15 मिनट ब्रेक 2.75 आवर्स पढ़ते हैं, है ना, तो अप्रोक्सीमेटली हायर साइड अपने को 45 लेक्चर्स लगेंगे, ठीक है, तो 45 लेक्चर्स में अपना सब कुछ हो जाएगा। चलो तो जिनको डाउट है कि कैसे कनेक्ट होगा, हैंड रेज का ऑप्शन सब्सक्राइबर मतलब पेड वाले लोगों को आ रहा है, आपको बैच सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लिंक टेलीग्राम चैनल पे है। पूरे वीक का क्लास कमिट नहीं कर सकता हूँ निलेश, दूसरी भी क्लासेस होती है, सीएफए की क्लासेस चलती है, इसलिए प्रॉब्लम आती है, ठीक है। मनीषा आपको कुछ पूछना है, और किसी का कुछ अगर डाउट सॉल्व नहीं है तो पूछ सकते हैं, और डाउट सॉल्व हो गया है तो यू आर ऑल फ्री टू लीव। जय अच्छा था लेवल, पेपर का लेवल, अगर देखे हुए क्वेश्चंस जो आए थे उसमें एम्बिग्युटी नहीं होती तो पेपर फिर बहुत डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन देखे हुए क्वेश्चन में भी उन्होंने कहीं ना कहीं छोटा छोटा उलझा दिया, इसलिए पेपर का लेवल था May 23। ओके दिस कोर्स सब्सक्रिप्शन डिफरेंट फ्रॉम प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है मनीषा मैं एक बार कंफर्म करता हूँ अपनी टीम से। ठीक है वो सब भारत अभी वो सब ट्रायल नहीं है। सो आप में से जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कुछ डाउट्स है बैच से रिलेटेड तो आप वहां भी डीएम करके पूछ सकते हो, ठीक है। जिनके पास नहीं है वो किसी यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ लेना, वहां भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए यार सुपर ग्रेट, मजा आ गया, आप लोग अमेजिंग थे, मतलब लिटरली बताऊं बहुत कम बैचेस होती है, मैं सिर्फ सीए की बात नहीं कर रहा हूँ, सीए भी बोल रहा हूँ, सीएफए भी बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल मॉडलिंग भी बोल रहा हूँ, दूसरे कोर्स तो और भी प्रैक्टिकल है, फाइनेंशियल मॉडलिंग कितना प्रैक्टिकल है, उसके बाद भी यू गाइस वर वन ऑफ द मोस्ट इंटरेक्टिव बैचेस आई हैव मेट, ज्यादा 100-100 स्टूडेंट्स की लाइव बैच में भी इंटरेक्शन नहीं था जैसा आज था, एंड दिस इज ऑल बिकॉज क्योंकि आप इंटरेस्टेड हो, सो सुपर अमेजिंग, इसको आप कॉम्प्लीमेंट की तरह ले सकते हो, हर दिन ऐसे ही बने रहिए सर, एसएफएम में हम लोग बेजोड़ मेहनत करेंगे, बेहिसाब एक तरफा, और एसएफएम को लिटरली वो जो 80 प्लस का टारगेट बोला है ना वो मीन करेंगे, ठीक है। एवरीवन पीस, सो मिलते हैं वापस मंडे को 7 बजे, अपना अपना ध्यान रखिए, आई विल सी यू, बाय, टेक केयर पीपल, आई विल सी यू, बाय 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 बाय, मिलते हैं, ओके, थैंक यू सो मच, बाय पीपल, टेक केयर। ओ ओ ओ ओ निलेश, हाँ 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 बाकी लोगों को जाना है तो जा सकते हैं, निलेश का एक छोटा सा डाउट था वो रह गया। निलेश आपको एफवी का कैलकुलेशन कैलसी पे सीखना है, राइट निलेश? थैंक यू सो मच वेंकटेश, प्रणय थैंक यू सो मच, बाय 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 शौविक चिराग, अमित थैंक यू सो मच, रिया बाय, अंशिका बाय। निलेश हो क्या, 2 मिनट मेरी बात सुन सकते हो आप? तो मैं आपको एक बार बताता हूँ निलेश,
मतलब ये जो चीज आपने इंडिविजुअली की है ना निलेश, उसको हमें कैलसी पे करना है ना, जब हम एम प्लस कर रहे हैं। मनीषा आपको भी सुनना था ना, समझना था ना ये, राइट? हाँ है ना, उसको हमें इंडिविजुअली जो हमने किया है उसको अब हम कैलसी पे करके देखते हैं। तो देखो ये वाले वन को तो एज इट इज लेना पड़ेगा, तो वन बोल के एम प्लस डाल दो कैलसी पे, ठीक है? अब ठीक है शौविक, है ना, बचे हुए को कैसे लेंगे? एक रिदम में ले लेंगे। एक रिदम में कैसे लेंगे, ध्यान से सुनना। कैलसी पे लो 1.1, पहले 1.1 लेना और उसमें 1 मल्टीप्लाई करना। तो ये एम प्लस हो गया था 1, उसके बाद की स्टेप बता रहा हूं। 1.1 इंटू 1 इक्वल्स टू, प्रेस करो, क्या आपका 1.1 आया निलेश मनीषा? 1.1 आया आपका? 1.1 ले जो आ गया उसको एम प्लस में डाल दो। तो डू यू अग्री, एम प्लस में अभी दो चीजें जा चुकी है ना। अब एक और बार सिर्फ इक्वल टू प्रेस करना। तो सर ये इक्वल टू किसका चल रहा है? ये एक्चुअल में इन दोनों का इक्वल टू चलेगा। 1.1 पहले इनटू 1 फीड कर चुके थे, एक बार इक्वल टू पहले प्रेस कर चुके थे जिससे 1.1 आया। एक और बार जब आप इक्वल टू प्रेस करोगे ना तो 1.21 आ जाएगा, करके देखो। जिस जिसको नहीं आ रहा है सीख लो। 1.21 आया जो जो क्लास में, उसको एम प्लस में डालो। एक और बार इक्वल टू करो, 1.31 आया उसको एम प्लस में डालो। एक और बार इक्वल टू करो, 1.464 आया उसको एम प्लस डालो। एमआरसी करो, मेमोरी रिकलेक्ट, 6.105 आ जाएगा। ठीक है, आई ऑल क्लियर नाउ? अरे तनुज, ठीक है प्रणय, कूल। कहाँ चले गए थे प्रणय बाय द वे, ज्वाइन क्यों नहीं किया? निलेश वो तो स्कैम कॉन्सेप्ट है, आपको पता चल गया होगा आई होप। ठीक है, आउट ऑफ टाउन हो, ठीक है चलो। अभी तनुज यार, फ्रेंड कैन वी प्लीज टेक इट आफ्टरवर्ड्स, जब भी मतलब इसका काम आएगा। ओके मनीषा, नो प्रॉब्लम, थैंक यू, है ना, सुपर ग्रेट, परफेक्ट। तो विद दैट कैन वी प्लीज कॉल इट अ डे? क्या हम लोग हमारा लेक्चर एंड कर सकते हैं सर, बताइए। अमित वाज देयर, अभिषेक वाज देयर, निलेश, यस, सुपर ग्रेट, थैंक यू सो मच, मजा आ गया आप सभी के साथ। हम लोग मंडे मिल रहे हैं वापस इसी एनर्जी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, आई एम एंडिंग द क्लास, ओके बाय। कौन कौन नहीं गया, सिर्फ एक चीज बता दो ना प्लीज, वीडियो का क्लैरिटी आपको थ्रू आउट द सेशन अच्छा मिला और लैग तो नहीं आया? गाइस जो अभी भी नहीं गए, जो स्क्रीन पे हम लिख रहे थे वो दिखा आपको? ओके, वीडियो गुड है वेंकटेश मनीषा, चलो ग्रेट यार, सुपर, मजा आ गया। ठीक है सर जी, मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय। थोड़ा सा रेजोल्यूशन का इशू था ना अमित, ठीक है ठीक है, कूल। मंडे 7 PM मिल रहे हैं टेलीग्राम पे, उसके पहले नोट्स आ जाएंगे, ठीक है, सैटरडे नाइट के पहले नोट्स आ जाएंगे आपको। बाय बाय।